Hey, hey, happy birthday to you. Hey, hey, happy birthday to you. Hey, hey, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey, hey, happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, hey. डर गई ना? पक्का डर गई हो? क्यों? झटका लगा ना? मेरा बर्थडे सरप्राइज कैसा लगा? सॉरी, मुझे ना गुस्सा आ गया था। कोई बात नहीं, मुझे लगी भी नहीं। दरअसल मुझे तुमसे कुछ गिफ्ट चाहिए था। चुपचाप देखना, दोबारा शुरू हो गए। कौन बे? तेरी आंख में मोतियाबिंद है क्या? दिखता नहीं कि फिल्म चल रही है। छे। अबे तो तुझे क्यों जलन हो रही है? क्यों नहीं होनी चाहिए? अबे भिखारी जो आपस में किस कर रहे हैं वो कौन है? लड़का और लड़की। लड़का और लड़की। एक बात बता, क्या वो लड़की तेरी बहन नहीं है? एक भिखारी जैसा आदमी इतनी खूबसूरत लड़की को किस कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही क्या? या तो तू शर्म न आने की एक्टिंग कर रहा है, बचपन से ही तू ऐसा है। चल जा बे। कितनी अच्छी जोड़ी है, आखिर वो मेरी बहन है। अगर वो उससे प्यार करती है तो ठीक है, और हमारी फैमिली में भी किसी को कोई परेशानी नहीं है। पर इसे क्या हुआ? तुझे इसमें क्या दिक्कत हो रही है बे? दिक्कत क्यों होगी, मेरी बहन थोड़ी है। चल क्यों रहा है बे? इस बंदे का लालच कभी खत्म ही नहीं होता है यार। सही कहा, ये जो है ना, ये ऐसा ही है। ये अपनी लाइफ में किसी को भी खुश देख ही नहीं सकता मेरे भाई। टॉप का घोंचू है ये, क्यों बे? सही बोल रहा हूँ ना। इसने तो आंटियों तक को भी नहीं छोड़ा है, उनसे भी फ्लर्ट करता ही है। ये रात को सबकी नजर बचा के आंटियों के पास जाकर अंताक्षरी खेलता है। हाँ, एंजल्स? और तेरी तो? अबे एंजल्स नहीं रही, एंजल्स हैं। अरे बात तो एक ही है ना। अरे बाप रे। हाँ हाँ चलते हैं ना। अबे आता हूँ। अबे जल्दी कर, उनको आवाज दे। लगता है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सिस्टर। क्या है? वहाँ पीछे ऐसा सीन चल रहा है जो आप लोगों को नहीं देखना चाहिए। कैसा सीन? एक मिनट, अभी देख के आता हूँ, खत्म हुआ या नहीं। एक मिनट। उनको आवाज लगा। मिस्टर पाल जी, तुम जो वहाँ तानपुरा बजा रहे हो उसे बंद करके तुरंत वहाँ से खिसक लो। थोड़ा जल्दी करो। अरे भागो। को क्या हुआ? ईसा मसीह का आशीर्वाद। आजकल के बच्चे भी ना, जाने दो, छोड़ दो। चल। जिंदगी इसको कर ले कैश हम, कल क्या हो किसको पता है, कर ले खुल के ऐश हम। अब हम सबको मिल गई ये दिलदारों की कंपनी, यारों लो खुल कर मजा है, चार दिनों की चांदनी। लड़की चाहिए जो भाए मुझे, पूजा करेंगे घर तुझसे मिल जाए मुझे। लड़की चाहिए जो भाए मुझे, पूजा करेंगे कर तुझसे मिल जाए मुझे। करते हैं धमाल हम, मौका जो मिला ना कोई शिकायत ना कोई गिला। हाँ शाही है अंदाज और शाही है मिजाज, ऐसे ही चलता रहेगा अपना सिलसिला। जो ड्रेस आती है पसंद ट्रायल रूम से ले लेते, सेल्फी ले करके उसकी एफबी पर है जड़ देते। अभी ये क्या तेरी पोस्ट? प्लीज लाइक माई प्रोफाइल बिग ब्रो। 4 दिनों की जिंदगी ये, इसको कर ले कैश हम, कल क्या हो किसको पता है, कर ले खुल के ऐश हम। अच्छों के लिए हम अच्छे और भले, जो भी लगता है अच्छा लगाते हैं गले। हाँ नजरों से है चंचल, दिल के हैं खरे, थोड़े हैं शरीफ और थोड़े मनचले। मनमौजी है मन के हम, सबसे थोड़ा हटके हम, कोई भी हसीना की तारीफ करते खुल के हम। क्या हुआ, दिमाग ठिकाने है ना? What happened? No. तो क्या कर लोगे? 4 दिनों की जिंदगी ये, इसको कर ले कैश हम, कल क्या हो किसको पता है, कर ले खुल के ऐश हम। अब हम सबको मिल गई ये दिलदारों की कंपनी, यारों लो खुल कर मजा है 4 दिनों की चांदनी। 4 दिनों की जिंदगी ये, इसको कर ले कैश हम, कल क्या हो किसको पता है, कर ले खुल के ऐश हम। अब हम सबको मिल गई ये दिलदारों की कंपनी, यारों रो खुलकर मजा है 4 दिनों की चांदनी। You're not coming? I'm waiting. Okay man, I'll be back. Yes sir. Thank you. Hello, welcome sir. I'm sorry. Please. Okay, yeah. Give some space, man. Thank you. What are they coming? This one about. Yeah. Some of that jazz for your mind. Some of that jazz for your heart. Where's the trial room? This way, sir. Thank you. खेल रहे थे। अरे बाप रे, तुझे क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द। फायर कर दूं क्या? कितना बदबू मार रहा है। अरे बड़े भाई क्या कर रहे हो? फट गया। चूस के खा रहे हो यार, और तुम हैंडलिफ्ट में होल हो गया तो। अरे ये सब खा के तुमने तो तहलका ही मचा दिया। अरे अबे एम्बुलेंस बुला ले, देखो बेहोश होने वाला है। ये लोग ही बदतमीजी कर रहे हैं। भाइयों अगर अपना भला चाहते तो अंदर कदम मत रखना। ये भागो रे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन। Hey dude. Yes, I'm right here, dude. Hey. Yeah. You hold this. ठीक है. I'll be right back. Okay. जो मैंने कपड़े सेलेक्ट किए इसे राइट में रखिएगा. Sure sir. ठीक है? Thanks. Okay. Thank you sir. Thank you man. क्या हुआ बेटा? कल तो बड़ा फॉर्म में था. चल उठ यहाँ से निकल। इसकी बातें क्यों सुन रहा है बे? ये तो कुछ भी बोलता है। मैंने ऐसा क्या कहा? बकवास तो तू करता है। ये जो तेरी आदतें हैं ना बिल्कुल तेरे बाप जैसी है। चल दफा हो जा। गुड मॉर्निंग। अरे तू जमीन पे क्या खोज रहा है बे? वो कह रहा था तेरे बाप के दांत काले हैं। अबे कल रात तूने उसे मैसेज किया? हाँ किया ना। तो क्या बोला उसने? यार कुछ बोला ही नहीं। लेकिन क्यों बे? वो क्या है ना वो मैसेज उसकी माँ ने देख लिया। बहुत बढ़िया विजयी भव, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। हाँ 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 पक्का ये कुंवारा मरेगा। अब मैसेज का रिप्लाई ना उसकी माँ करने लगी। क्या बोल रहा है? उसकी मम्मी। अरे यार कैसी है वो? एकदम मस्त है क्या? वो तो सच में रंपाट है भाई। अरे पर वो तो तेरे ससुर का माल है ना। झिंगूर क्या चाल? अरे यार सुनना। अरे विजय, अरे यार तेरे पास कोट है क्या? COT कोट, नाम नहीं सुना क्या? वो मेरे पास कैसे होगा COT कोट? मेरे पास तो बस DOT डॉट है। मतलब निशान निशान। ए, मैंने तेरी फोटो देखी जिसमें तू तो अपने घर के आगे कोट पहने हुए खड़ा है। कहाँ है वो कोट? हाँ अरे यार वो तो बहुत पुरानी फोटो है, स्कूल टाइम की। किसे पता वो कोट कहाँ रखा होगा। अब अभी पहना ना तो ब्लाउज जैसा लगेगा। हाँ ए समीर, वो अभी भी इसके बाप के पास है। हाँ। इसका बाप फटा हुआ कच्चा नहीं छोड़ता। वो तो जाकर खुद ही ढूंढ लेना। अबे चुप रह, मुंह बंद कर अपना। ठीक है तू हट जा सामने। अरे नहीं यार मैं नहीं आना चाहता। अरे नहीं यार चलना अपन जाते हैं। चलना पड़ेगा जल्दी। आ जा भाई। ये तो पिंक है। दूसरा वाला भी है टॉप एंगल से। अबे फिर भी है तो पिंक ही ना। हां अब समझ आ रहा है। तो ये क्या पूरा दिन चलेगा? अबे तुझे क्यों जलन हो रही है? हां मुझे लगता है कल तक हो चुके बे। आंटी जी हाँ बोलो क्या आप है? ना ऐसे धूप में खड़ी मत रहो नहीं तो बेबी ब्लैक एंड व्हाइट पैदा होगा। कोई बात नहीं, अगर बेबी डार्क भी हुआ तो मुझे और मेरे पति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम चिंता मत करो। अच्छा जब अपन प्यार से कोई उपदेश देता है ना तो उसे फॉलो करना चाहिए, नहीं तो भुगतो। मुझे क्या? अच्छा अनीश, तब तो तुम्हारी मम्मी धूप से हिली नहीं होंगी, इसीलिए तुम्हारा कलर ऐसे हुआ क्या? बड़ा आया उपदेश देने वाला। अबे पहले अपनी शक्ल तो देख ले। तू दफा हो जा अफ्रीकन कौवे। कितनी बार मना किया है तुझे कि धूल में काम मत किया कर। तुझे धूल से एलर्जी है ना? ए विजय, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तू वहाँ क्या देख रहा है? अब तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? तू यहाँ है और वो तेरे लिए वहाँ परेशान हो रहा है। यार धूल से मुझे भी परेशानी होती है, छींक आने लगती है यार, मुझे एलर्जी है। कमाल के नवाबी है। सुन ना, अपनी मम्मी को बोलना हमारे लिए चाय बनाए। मैं क्यों जाऊँ, तू खुद जाके बोल देना। अच्छा हमें भाव दिखा रही हो। आई बड़ी नखरे वाली। वो तेरी वाली होगी। लो चाय आ गई। वैसे आपसे एक बात कहूँ, इसको संभाल लीजिए, इसकी जबान कैंची की तरह चलने लगी है। परेशानी आपको ही होगी। अरे यही तो उम्र होती है ये सब करने की। कुछ दिनों में इसकी शादी हो जाएगी, तब थोड़ी ना ये सब करेगी। जिम्मेदारियाँ बढ़ने के बाद हर कोई सुधर जाता है। तुम लोग भी सुधर जाओ और आवारागर्दी कम करो। थैंक यू मामा। चुपचाप चाय पी। पड़ गई बकवास मत कर, समझा? नहीं सुधरेंगे। अरे देखो तो कौन आ गया, पहचान नहीं पाओगे। क्या मेकअप है, कहाँ से किया? ये लो कोट पकड़। ये कहाँ से निकाला? आखिर मुझे COT वाला कोट मिल ही गया। कोट है तो बढ़िया। मम्मी विजय ने ग्लास तोड़ दिया। अबे तुझको तो मैं। माँ ये मुझे दो और मेरे साथ चलो। अरे चलो ना। अरे क्या कर रहे हैं? आजा आजा। ठीक है आजा जल्दी। क्या? अरे आओ ना माँ। बात क्या है? आजा। अरे आओ बताता हूँ, जल्दी आओ माँ। अरे आ रही हूँ ना। आओ तो सही। कौन आया? ये देखो कोट, ये मैं लेके आया हूँ, देखो ना। ये क्या है? माँ कोट है और मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा है, ये देखो। अरे यार तेरे फिटिंग का नहीं है ये, किसका है ये? हाँ अरे वो सब आप जाने दीजिए ना, लेकिन तू इसका करेगा क्या? दिखाता हूँ। तू ये पर्दे क्यों निकाल रहा है? अरे माँ पर्दा ही तो है। हाँ? आप तो ऐसे परेशान हो रही जैसे पर्दा फॉरेन का हो। अरे ये पर्दा है लेकिन। बताता हूँ रुकिए तो। इसका क्या करेगा? अरे माँ बस पर्दा ही तो है। ये देखिए, इसे यहाँ से काटिए और यहाँ पर सिल दीजिए, बस हो जाएगा, फिटिंग आ जाएगी। लेकिन पर्दा खराब हो जाएगा। माँ नया पर्दा ले आऊंगा, अभी आप काट दीजिए इसकी। मेरा पर्दा। हाँ माँ हो जाएगा। कोट की पड़ी है। माँ तुम भी। नाइस ड्रेस। थैंक यू। वेल मेरे डैड ने गिफ्ट किया है। लास्ट ईयर क्रिसमस पे डैड इसे पेरिस से लेके आए थे। अच्छा पेरिस से? या। वेल आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो मित्रा। थैंक यू। यू नो एक्चुअली मैं ज़्यादा पढ़ाकू नहीं हूँ। स्कूल और कॉलेज में जो सिखाते हैं उससे ज़्यादा तो हम बाहर सीख जाते हैं। वेल अगर मैं अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बताऊँ तो वो है अप्पू भाई से मिलना। कौन है ये अप्पू? ओह कम ऑन, तुम अप्पू भाई को नहीं जानती? प्रणव मोहनलाल, मैं उन्हें कॉलेज टाइम से अप्पू भाई बोलता हूँ। यू नो प्रणव? ओह माय गॉड। ऑब्वियसली। क्या कहा प्रणव, आई कांट बिलीव इट। उसकी कोई फोटो है तुम्हारे पास? वो क्या है कि दोस्त साथ में सेल्फी लेना पसंद नहीं करते। हाँ हमारे कॉलेज टाइम की कुछ फोटोज हैं जो मैंने प्रिंट करा के रखी हुई हैं। जब नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो लेके आऊंगा। ओके? फेसबुक के कोई पोस्ट नहीं है क्या? मित्रा, मैं फेसबुक और व्हाट्सएप यूज ही नहीं करता। इन सब से बहुत समय बर्बाद होता है। वो समय हम बुक पढ़ने या कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, यू नो। यू आर टोटली डिफरेंट पर्सन। आई मीन I haven't seen like you in my life. Yeah. And I must say that I'm impressed. Correct. अब हम चले? मुझे ना लेट हो रहा है. Yeah, sure. Excuse me. Bill, please. Sir, bill. Yeah. Sorry, sir. Network down है. Card swiping possible नहीं है. Oops. मित्रा तुम थोड़ी देर यहीं वेट करो, मैं बस यू गया और कैश लेके आया। नो नो नो, आई हैव कैश विद मी। नो नो नो, आई विल पे। नो नो नो, आई हे नहीं नहीं, आई विल पे। दो ना, इट्स फाइन। अगली बार तुम मुझे इससे बड़ी ट्रीट दे देना। व्हाई नॉट। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। सॉरी, नेक्स्ट टाइम। ओके नेक्स्ट टाइम। क्या वो क्या है, मैं इसे हमेशा टिप देता हूँ, बस आज नहीं दे पाया। तो क्या हुआ, मैं दे देती हूँ। हे नो मित्रा। हे जस्ट अ सेकंड। यस सॉरी, मैं इसे नॉर्मली 200 देता हूँ। ओके थैंक यू। तो चले? चल। अबे कहाँ चला गया था, कब से तेरा वेट कर रहा हूँ। ला मेरे पैसे दे। ये क्या बस 150? क्या भाई, कम से कम 50 तो रखने देना यार। ये तो सच में टिप लेके चला गया। ए, ज़ूम कर। अबे ज़्यादा ज़ूम करेंगे तो बाहर ही आ जाएगी वो। लेफ्ट। इसका स्क्रीनशॉट मार ले, रात को काम आए। देखो लार बार है, क्या आदमी है बे। How's the photo, bros? अबे ये इसको कैसे पड़ गई बे? देखो यार क्या लुक बनाया हुआ है। उफ, ये सब तूने कैसे किया यार समीर? ये सब समीर के बस का नहीं है, ये सैम ने किया है। क्या कहा सैम? अरे वो कौन है भाई? अरे मैं ही हूँ यार। समीर के नाम को थोड़ा सा छोटा करके स्टाइलिश बनाया तो मैं सैम बन गया। अरे लड़कियों को यही पसंद है भाई। अरे नाम और स्टाइल बदलने से क्या लड़कियाँ अट्रैक्ट हो जाएंगी? अरे वाह। ए पाचा, जरा कालिया की स्टाइल तो देख। भाई मैं कैसा लग रहा हूँ? एकदम झकास ना। कूलिंग ग्लास पहन ले, मस्त लगेगा। One second. ये रहा मेरा लेटेस्ट गॉगल 99 का। वाह, ये हुई ना बात। हेलो। चल निकल यहाँ से। थैंक यू। अबे वो आ गई। कोई ज्यादा मत फेंकना बे। दिखने में तो बहुत धमाल लग रही है यार, जैसे एक अप्सरा। My dad loves Ferrari, but we can't ride here, right? अगर तुझे उसके मुंह से अपने मरे हुए बाप की गाली नहीं खानी है तो अपना मुंह बंद कर ले। Even I love modified cars. अरे। Hello Sam. अबे हरामखोरों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तो मेरे शेर। मेरे ख्याल से हम लास्ट टाइम न्यूयॉर्क में मिले थे ना? No, London. हाँ लंदन, याद आया। वैसे ये सुंदर लड़की कौन है? गर्लफ्रेंड है क्या? By the way, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे सैम और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये बाकी तीनों भी मेरे ही फ्रेंड्स हैं। दिस इज बिजोय। इसके पापा का घोड़ों का बिजनेस है दुबई में। घोड़ों का बिजनेस दुबई में। गाय का बिजनेस। पॉल, इसके फादर एक्सपोर्टर है। फिश बिजनेस, राइट? फिशरी आइटम्स। दिस इज रनीश। शानू। बहुत रिच फैमिली से हैं। अच्छा अबे ये कौन बोला था? टाइम पास क्या कर रहा है? अबे लो कौन है वो चिड़िया? बड़ी सुंदर है भाई। सैम, who is that? और वो ऐसे क्यों बात कर रहा है? इसे तो मैं नहीं जानता। Well, I think he is confused। भाई मेरे दोस्त लोग हैं। ऐसी गंदी शक्ल के लोग मेरे दोस्त नहीं होते। चलो। ये सब अवॉइड को मार रहे हैं। कोई चक्कर है क्या? अरे छोड़ो इनको। भैया चलो उठो उठो। ओके गाइस, आई एम लीविंग। हैव फन। लंदन के बाद तुम लोग आज ही मिल रहे हो ना? या। ओके बाय। ओके देन। बाय बेबी। बाय टेक केयर। टाटा। बाय बाय बाय। बाय। इसकी वजह से तो सारा गेम ही खराब हो जाता। क्या है बे? ये क्या था? कुछ नहीं बे, बस एक फोटो ली, वो भी आंखों से। अबे इसीलिए तू कहीं ले जाने के लायक नहीं है। चुप बे, फॉलो मी। चलो चलो। देखी पहुंच कभी सीधी होती है क्या? रिची। हाँ तो? Very very rich, रिची। हाँ तो क्या करूं? मित्रा, she is mine। ओह। पता चला है तुम्हारे गैंग का एक भिखारी उसके साथ मस्ती कर रहा है। कौन है वो? यू 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 यू। वो भिखारी यही है। यू? अबे सुनना, ये कौन जो कर रहा है? पहचान कौन जिसके सर पे चिड़िया का घोंसला बना हुआ? क्या रे ये पीतल का चैन पहनकर हम पर थोच जमा रहा है? तेरी तो चल निकल। रिची यहाँ तुम्हारे डायलॉग सुनने नहीं आया। अरे यार तो फिर क्यों आया बे? मार खाने के लिए आया क्या मिस्टर रिची बिची? सही कहा, लेकिन रिची नहीं, तुम सब खाओ। लगता है ये घूचू मार खाकर ही मानेगा। यू गाइज गोना टू गेट हर्ट, बैडली हर्ट। अरे सुनना, इसको हल्के मत लेना यार। कराटे, ब्लैक बेल्ट, अगर ये सब जानता हो तो। अबे डरा क्यों रहा है बे? अब दिखाता। अगला मार खाने कौन आ रहा है? यहाँ से निकलना छोड़ूंगा नहीं। हे बेबी, एक्सक्यूज मी, जरा इसे पकड़ो तो। क्या है रे? सुन भाई, हैं? मार मार के इसका थोबड़ा बिगाड़ दे। चल मुझे मार के दिखा। मुझे पता था ये कुटेगा। फोड़ दे। कौन है तुम लोग? मेरे दोस्तों को हाथ कैसे लगाया? हाय, 99 की टी शर्ट पहनकर कीड़े की तरह रेंग रहा है। अब बोल, और मार खाएगा? अरे आंख में कोई मार पाएगा? दिमाग घूम गया मेरा, पागल कहीं। अबे तेरी तो दुख है। मेरी बात सुन ले, अगर दोबारा यहाँ तेरी काली शक्ल दिखी ना तो आँख फोड़ दूंगा और निकाल के गोटियाँ खेलूंगा। और ये तेरा गॉगल आज से मेरा हो गया, समझा गोचू? मैं तुम्हें मार्केट से लोकल दिलवा दूंगा। उसे मुझे वापस कर दो भाई प्लीज। सब लोग मुझे हाथ साफ करके चले गए। अब आया मज़ा? मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? आज तो तुम्हारा चेहरा पूनम के चांद के जैसा चमक रहा है। ऐसा लगता है वो चांद साक्षात मेरे सामने खड़ा है। सच में? बैठो ना। ठीक है। वहाँ नहीं तो फिर यहाँ पर बैठो। वजन थोड़ा बढ़ गया है मेरा, चलेगा? मुझे तो नहीं लग रही। झूठे। सही कह रहा हूँ। अरे आप कब आए पापा? तुम कब आए? कितने दिनों की छुट्टी है और वापस कब जाओगे? आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? ये तो इसे पूछना चाहिए ना। हाँ ये तो मुझे पूछना चाहिए। ये तो भूल ही गया। अब तू तो बहुत हैंडसम लग रहा है बेटा। अरे पापा आप भी। ये और हैंडसम? कम ऑन, मैं हैंडसम तो हूँ। हाँ। आप भी। और ये जो कलर है ना बेटा, वो तुम्हें तुम्हारे बाप से विरासत में मिला है। ये आप आज से पहले तो आपने ऐसा कभी नहीं बोला, अभी अचानक क्या हो गया? हम दोनों 2 महीने पहले भी तो मिले थे, तब तो आपने मुझसे नहीं कहा कि मुझे मेरा कलर आपकी वजह से मिला है। अच्छा? अचानक से कलर मैच करने लग गए। अरे सिर्फ कलर ही नहीं, इसका तो पूरा का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। ये तो कौवे के घोंसले में कोयल के अंडे जैसा हो गया। हाँ, अब आप भी शुरू हो जाइए। हाँ मैंने उसको हजारों बार कहा है कि उसके पापा का कलर बिल्कुल तारकोल जैसा है, पर उसकी माँ का कलर एप्पल जैसा है, एकदम एप्पल। इसीलिए वो मेरे जैसा दिखता है, समझे? आपके मन में तो बस जलन भरी हुई है। हाँ, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। हाँ इस एप्पल के कलर की वजह से मेरी शांति भंग हो जाती है और मुझे हर 3 महीने में घर आना पड़ता है। जैसी माँ वैसा बेटा। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। तुझे पता है मैं इसमें चैंपियन हूँ। जॉन लेजेंड ऑल ऑफ पी। नहीं, शेप ऑफ यू। हैप्पी बर्थडे रीतम्मा। सीरियसली? ऑब्वियसली। पता चला तुम्हारा बर्थडे है, सोचा तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए तो मैंने गाना गा दिया। रीतम्मा तुम्हें पसंद आया या नहीं? हेलो, मेरा नाम रीतम्मा नहीं है एंड इट्स नॉट माय बर्थडे। ये उसका बर्थडे है। रीता Not Rita Ma, समझे ना? गड़बड़ हो गई यार। Happy birthday Rita, dear sister। समीर हार मत मान, जल्दी से सैम बन जा, यही मौका है। Yes। Hi। देखो फिर से आ गया। ये है रीता, मैं हूँ सैम, और तुम कौन हो? ओह, वैसे मैं वहाँ पर बैठा हूँ, नाम बताने का मन करे तो वहाँ आके बता देना। सैम, मैं पूजा हूँ, पर कुछ लोग मुझे जिया भी कहते हैं। कुछ नहीं होने वाला, चाहे तुम कितना भी मेकअप करके घूमो। क्यों? मेकअप करने पे अच्छा नहीं लगता हूँ मैं। ठीक है, जो मन में आए वो करो, स्टाइल मारो या इंग्लिश में बोलो, कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हारा। मेरी प्यारी पोपी, बताओ ना क्या करूँ मैं? अच्छा, टकला हो जाता हूँ मैं, आगे के दो दांत तोड़ लेता हूँ, अपने कपड़े भी फाड़ लेता हूँ, तब तो तुम खुश हो जाओगी ना। तुमने कहा था मेरे लिए कुछ रखा है तुमने, लेकिन अभी तक दिया नहीं, ये तो गलत बात है ना। उसी के लिए मैं यहाँ की गंदी स्मेल बर्दाश्त कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स ब्रो। हाँ, अरे बाप रे, यही जगह है ना भाई? हाँ हाँ, यही है। जबरदस्त है। अंकल ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया काम के लिए? ये तो कमाल की जगह है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं आ गया? रुको 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 रुको। ए, कौन हो तुम? प्लम्बिंग के लिए बुलाया। बॉस अंदर है क्या? काम के लिए आया हूँ। प्लम्बिंग? कैसी प्लम्बिंग? तुम्हें तो देख के लगता है फिल्मों में कॉमेडियन के पीछे घूमते होगे। लगता है। सच बता, कौन हो तू? कौन हो तू? चल साइड हो जा। अरे भाई उसे रोको मत, उसे मैंने ही यहाँ बुलाया है। ये मेरा शिष्य है ये लड़का। यूनिफॉर्म कहाँ है इसका? प्लम्बिंग करता है तो इसकी यूनिफॉर्म कहाँ है? अंदर साहब लोग इसके चक्कर में ना मेरी क्लास ले लेंगे। अरे यार 3 इंच का पाइप फिट करने के लिए यूनिफॉर्म और टाई पहन कर आएगा क्या? अब नखरे मत करो, इसे अंदर आने दो, काम करके वापस भी जाना है। स्कूल का एग्जाम चल रहा है जो इतने नियम बता रहे हो। ठीक है जा, लेकिन जल्दी से काम निपटा के आ जाना। काम होने के बाद यहाँ दिखना नहीं, अगर यहाँ आसपास भटका ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाई ये कोई चिड़ियाघर थोड़ी है जो घूमेगा। हाँ चलो 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 आओ मेरे साथ आओ। भाई सही कहा है इसने, चिड़ियाघर ही है ये, जितने रहते हैं सबके सब जानवर ही रहते हैं यहाँ। देखो भाई मेहनत करो और कमाओ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो तुमसे बहुत ज्यादा मेहनती था, इसीलिए तो इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंचा हूँ। और मैं ये हेडफोन लगाकर क्या सोच रहा है? सिंगिंग कंपटीशन का जज है क्या? अब आगे बढ़ेगा कि नहीं तो, पता नहीं खड़े खड़े क्या सोच रहा है। चल जल्दी। अंकल चल तो रहा हूँ, आप भी ना। तो मेरे कहने का मतलब समझ गया ना? ठीक है। अगर तू मेरे हिसाब से चलेगा ना तो हमेशा ऐसी जगह पे काम करेगा। अबे कामचोर ये पाइप काट। ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो देख लेना। अरे मेरी मैडम वेट कर करके परेशान हो गई होगी। ऐसे टांग फैला के बैठता हूँ। ओह अभी अभी मेरा गला सूखना शुरू हुआ था और तुम पानी लेकर भी आ गई। दूध नहीं है क्या? नहीं, अगर दूध हो तो चाय भी बना सकती हो ना, इसलिए पूछा मैंने। नहीं तुम अंदर जाओ, अभी तो ये पाइप लगाने में मुझे बहुत देर तक मेहनत करनी पड़ेगी। तुम जाओ। हाँ, देख तो ऐसे रही है जैसे खा जाएगी। मेरा व्हाट्सएप का ये ग्रुप कमाल का है, एक से बढ़कर एक आइटम है इसमें। अंकल आज के काम के मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे लेकिन क्यों? यहाँ आने का मौका मिला यही बहुत है। अरे सुनो हमारा काम पूरा हो गया, यहाँ पे भटकना मना है ना। अरे भाई ये करना तो मेरा काम है, बुरा क्यों मान गए? लंच कर रहे हो क्या? आज थोड़ा लेट हो गया। हाँ तो दोस्त हम चलते हैं, ठीक है? आओ। ओके 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 ओके। अरे ऊपर ही चढ़ा देगा क्या? आप कौन? सुनिए भाई साहब सीसीटीवी खराब हो गया, वही चेक करने आया हूँ। अरे तो आइए महाराज, पधारिए अंदर। सुनो भाई सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, ऐसा हमें फोन आया था। हाँ आपका इंतजार था, इसे छोड़कर एक भी काम नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं, वहीं से कोई प्रॉब्लम होगी। ये रही वो जगह। अरे यार यहाँ तो काफी महंगे आइटम होंगे। हाँ इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। अरे मेरे कलूटे हर एक आइटम की कीमत हजारों में होगी। निकल पड़ी यार। तो डन करें? कर दे डील। अबे सुनना जरा, एक बार सोच ले यार, अगर वो वाकई में इतनी बड़ी जगह है तो वहाँ कैमरा सिक्योरिटी वगैरह होंगे ना, फंस सकते हैं। ये किसी शोरूम से भागने जैसा आसान काम नहीं है। अगर पकड़े गए ना तो सारा प्लान खराब, पुलिस का भी लफड़ा हो सकता है। एक बार इस बारे में फिर से सोच लो। जरा रुको, एक बात तो भूल गया, वहाँ कोई कैमरा काम नहीं कर रहा है। हाँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है, और गार्ड भी एक ही है जो ऐसे 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 चलता है। वो किसी काम का नहीं है। ज्यादातर चीजें बाहर ही पड़ी हैं और वहाँ कोई नहीं रहता। मैं अच्छा, ये सब कुछ क्लियर करने के बाद ही तुम लोगों को बता रहा हूँ। और ये घोंचू सबको डराने की कोशिश कर रहा है, ये एक नंबर का फट्टू है यार। जरा उस जगह का एड्रेस तो बता। सुन, जो मेन जंक्शन है ना वहाँ से लेफ्ट लेना है, फिर उसके बाद फर्स्ट राइट। उफ, तुम्हें वो जगह सच में देखनी चाहिए यार, हर जगह ताड़ के पेड़, क्या गजब की जगह है। और कार तो क्या बताऊं आइला, लेकिन मुझे उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा है। कासामी। You mean कैसा मेट्रो? हाँ, या सही पकड़े, मैं जरा नाम भूल गया था। लेकिन सुन, तुझे उस जगह का नाम कैसे पता? बस मैं जानता हूँ। और सुनो, तुम सबके लिए भी यही अच्छा होगा कि वहाँ जाने का प्लान अभी के अभी कैंसिल कर दो। पर क्यों? हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? नहीं वहाँ नहीं जा सकते। अरे यार ये तो इतना इजी चांस है, तू फिर भी क्यों मना कर रहा है मेरे भाई? सुन मैं वहाँ गया हूँ, सब कुछ सेट है, कोई रिस्क नहीं है, तू डर मत यार। ठीक है तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं ये भी डर गया, ये डर गया, इसे जाने दो। अरे नहीं आ रहा तो छोड़ ना, तू अबू को बुलाना। अरे वो यहाँ नहीं है, घर पे कुछ काम था तो चला गया। अच्छा, जब काम होता है तो मम्मी को मिलने जाता है। ये सब तेरी गलती है। अबे इसमें मेरी क्या गलती? वो क्या है कि कल का मिलना नहीं हो पाएगा। मुझे मम्मी के साथ जाना है, शायद मंदिर वगैरह जाना है, आई डोंट नो। छे, फिर तो एग्जाम के बाद ही मिलना होगा। हाँ, एग्जाम्स खत्म होने के बाद। ओए, कहीं तुम मुझे बेवकूफ बनाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही हो? नो, व्हाई शुड आई डू दैट? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मुझे मम्मी के साथ जाना है? एक काम करते हैं, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। क्या कहा? क्या दोगी? मेरे घर पर तो आओ, लेकिन बिल्कुल चुपचाप आना। तुम आओ तो सही, मैं तुम्हें 10 किस दूंगी। विला नंबर 1 तुम्हारा ही है ना? हाँ। ठीक है, पर कल नहीं, आज ही। सैम तुम भी ना, मुझे डर लग रहा है, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे डर तो मुझे लगना चाहिए, इतने बड़े विला में सबसे बचते बचाते तुम तक पहुँचना है। मैं आ रहा हूँ। हाँ सीरियसली? ठीक है, मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। देखो दरवाजा खुला ही रखना। आई एम कमिंग फॉर यू बेबी, लव यू। देखो आ गया लोकल मजनू, दूसरा ताजमहल यही बनाएगा। क्या हुआ दोस्तों, कुछ मामला सेट हुआ या नहीं? देखो आ गया मजनू। कौन सा प्लान बे? अरे वही विला में जाने का प्लान। तूने तो कहा था मैं नहीं आऊंगा, ये करना ठीक नहीं है। अभी क्या हुआ? अरे वो तो मैं बस मजाक कर रहा था बेवकूफ। अच्छा मजाक था, सही है। अभी तक प्लान ही नहीं बनाया। आप ही बताइए सर प्लान। मैं एक धांसू आइडिया दूं? हम आधी रात को उस विला में घुसेंगे और अपना काम खत्म करके 3 बजे वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन बोलने में जितना आसान है उतना होगा नहीं, क्यों सही का? फिर भी चाहे जो हो हम ये काम करके रहेंगे। ओके ओके, चलो हाथ दो। अबे प्लान तो मैंने बनाया ना। अच्छा तो पहले तू दे। अब ताली दो। अबे तू फोन में क्या देख रहा है? अबे गया फोन पानी में। अबे पानी में क्यों गिरा दिया? वो बेचारा पॉपी के साथ लगा हुआ था। अब क्या होगा? यार अनीश, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा यार। अबे रिस्क नहीं होता, रिस्क होता है, समझ गया? देखा तुम्हारे दोस्त ने कैसी जगह तलाशी है ना कमाल? ये क्या है? एर्नाकुलम में भी ऐसी जगह है, मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरे बाप को पता चला तो मुझे भी काम पर लगा देंगे। बोलेंगे चलो बेटा रास्ते पर सस्ते सनग्लासेस बेचते हैं। सच कहूँ तो ऐसा करने का मैंने भी कभी सोचा नहीं था यार, पर क्या करें। सही कहा यार, मेरे घर वालों को देखो, इतने सीधे साधे हैं, और मुझे देखो। देखना कहीं सिक्योरिटी वाला दिख रहा है क्या? भाई अब तो आ ही गए हैं, अब तो कुछ लेकर ही जाएंगे। अगर अबू यहाँ आया होता ना तो सबसे पहले शुरुआत वही करता। है कि नहीं? लगता है शुरुआत मुझे ही करनी पड़ेगी। चलो चलते हैं। चल ये ले कैच कर, कैच कर ले, पकड़। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो। राउंड फ्लिप, राउंड फ्लिप, उस तरफ जा। अरे देखो कैसे वो डर रहा है। मैं तुम्हें एक स्टेप करके दिखाता हूँ। या 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 फॉलो। ओके बॉयज, अब मस्ती का टाइम ओवर, काम शुरू। मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ जो चीज पसंद आए उसे उठा लेना, समझ गए? और विजय, कोई गंदी कॉमेडी करके हम सबको फंसवा मत देना। और कल उठे, इस पे नजर रखना, ये डरपोक है। मजाक करने का टाइम नहीं है। सब लोग काम खत्म करके फटाफट निकलना, और मेरा वेट मत करना, मैं अंदर ही रहूंगा। सही है बेटा। एक बात बता, तू अकेला क्यों जा रहा है? अबे छोड़ना यार, हमें बता के जाएगा तो फायदे में रहेगा। चल बोलना। छोड़ बे। तू क्या अपनी सासू माँ से मिलने जा रहा है? जाने दे, तुम लोगों का जो मन है सोचो, पर मैं तुम लोगों को अभी बता नहीं सकता। लेकिन हम लोग तेरे साथ आएंगे, तेरा काम बिगाड़ेंगे। अभी तू बस ये जैकेट पकड़, संभाल के, ठीक है? ठीक है ठीक है। ऑल द बेस्ट बॉयज, ऑल द बेस्ट। अच्छे से काम करना भाई, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। ध्यान से। हे भगवान, इसका ध्यान रखना प्लीज। अरे रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। अरे यार ये क्या है? अरे गलत रास्ते पे जाना बंद करो, सही रास्ते पर आओ। तुझे अरे कहाँ जाना है वो तो बता। अरे यार इन घरों में तो लड़कियाँ भी अच्छी रहती होंगी यार। अरे साथ रहो, साथ रहो, साथ रहो, आओ। ये विला के मालिक भी कितने बेवकूफ हैं। ताड़ के पेड़ों से अच्छा केले का पेड़ लगाए होते तो खाने को मिलता। अबे नीचे तो देख, जो टाइल हम घर में लगाते हैं ये पागल लोग पार्क में लगा यार। हाँ यार, ये बड़े लोग का काम सब उल्टा ही होता है। घर की चीज बाहर लगाते हैं और बाहर की चीज घर में। पागल है। सुनो सुनो, वहाँ देखो यार, इस घर में कितनी महंगी बेंज कार है। तो तेरी नजर गाड़ी पे अटक गई? तेरी क्या परेशानी है बे, इतनी अच्छी जगह लेकर आया हूँ, तू हाथ साफ करना। चलो आ जाओ आ जाओ, चल 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 चल, आजा 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 आजा। ओ माय गॉड, सब कुछ बाहर ही बिखरा है। मुझे तो पैर में कुछ अच्छा पहनना चाहिए। अरे क्या झांक रहे हो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, पकड़। पिंक, आखिर तू मुझे मिली गई, तुझे कब से ढूंढ रहा था, मिल गई मुझे पिंक। तो तू ही रख लेना, जब चाहे पहन लेना। हाँ उसे पहन के ठुमका लगाना। हाँ ये तो मेरे लिए है, 90-90। अब देखना कितनी हाइट है, अगर गलती से कोई ऊपर से गिर गया ना तो गया समझो। सही कहा है। अरे क्या कोई रॉकेट है? वो देखो, वो विला सही है, हम वहां से जाते हैं, तुम वहां से जाओ। आजा, ओके तुम मेरे साथ। आवाज मत करे, मैं कहा कर रहा हूँ। ये तो मेरी प्यारी बाइक है, क्लासिक 500। हाँ। अगर ये मेरे बैग में आ जाती तो मैं इससे ही लेकर जाता। अरे वाह, क्या ब्रांडेड जूते। कहाँ? अरे देखना, ब्रांडेड। तू भी ना यार, तूने तो मुझे डरा। तू जल्दी बैग में रख, मैं जरा ट्राई करके देखता हूँ। अबे जल्दी कर, सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाना है। अबे अगर इतना डरेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये जूता क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन है कमाल के यार। इतना चिल्ला क्यों रहा है? ये जूते हम किसी को नहीं देंगे, तू ही रखना ठीक है। चल जल्दी से रखो, निकलते हैं यहाँ से। मेरे ब्रांडेड जूते मैं तुझे नहीं पहन पा रहा हूँ। देख वो आ गए। अच्छा सुन, वहाँ तुझे क्या क्या मिला? हमें तो बहुत कुछ मिला, एक से बढ़कर एक। लेकिन उन स्लीपर्स का क्या करें? ले पकड़, है ना? लेकिन इसको क्या हुआ? इसको टॉमी का जूता फिट नहीं आया, इसीलिए उदास है बेचारा। जरा दिखा। हाँ ये देख। अरे यार, इसका जो साइज है यही साइज तो मैं पहनता हूँ। एक काम करता हूँ, ये मैं रख लेता हूँ, और तुम लोग फिक्र मत करो, वैसे भी इतना कुछ है हमारे पास कि कुछ न कुछ सबको मिल ही जाएगा। वैसे ही मस्त है ना। अरे ये तो रनिश की आवाज है। हाँ यार, कहाँ गया वो? कहाँ चला गया? अभी तो था। अरे क्या मस्त साइकिल है, चल चल कर थक गया, इसे ट्राई करता हूँ। अरे सीट तो बहुत बड़ी है, लेकिन एक राउंड तो बनता है यार। आजा मेरी रानी। हे वो आ गया। कैसी लगी, क्या बोलता है? अबे कलूटे, तू करना क्या चाहता है? मतलब अबे यहाँ सारे रास्ते रास्ते नजर आ रहे हैं। अबे तो? चल चल कर थक गया था, इसलिए सोचा इसकी सवारी करूँ। जाओ तुम भी जाओ। अबे सुन, वहाँ बहुत सारी साइकिल है, एकदम ब्रांडेड। मैं तो चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। अबे अबे क्या क्या कर रहे हो? छोड़ो, धक्का दो, अबे गिर जाऊंगा। कौन आ गया? क्या हुआ? बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। हमें पता है यहाँ क्या चल रहा है, देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है अंदर। जरा हट जाओ, थूकना है। चल चल चल, आवाज मत करना, आराम से आराम से। पहले तो खुद चुप हो जा। पागल हो गया क्या? पागल क्यों आया भाई? अबे वो तो इधर ही आ रहा है। अबे ये कौन है? अरे देखना तेरी अमानत उसको मिल गई। ये आशा का है या सुप्रिया का? आशा का ही लगता है। साइज से तो पता चल ही जाता है। कोई बात नहीं, जिसकी भी होगी उसे दे दूंगा। रात में तो मुलाकात होगी ही। बड़ी मुश्किल से हाथ लगी थी, कमीना ले गया। अबे इसी की होगी, 100% इसकी वाइफ की है। वो कैसे? तूने देखा नहीं कैसे गौर से देख रहा था? क्या है ना, अपनी चीज कोई भी पहचानता है। सही बोला ना। पर ये पैंटी गिरी कैसे? ताज्जुब की बात है। गया 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 गया। ए चलो आ जाओ आराम से। अबे चल चल आगे चल। यहाँ से हम थोड़ा आगे जाएंगे, उसके बाद 44 नंबर का विला आएगा, उसमें बेल लगी है। वो तो सबके घर में होती है। अबे आ जाओ ना। एक मिनट पकड़ पकड़ पकड़। सुन, हम दोनों क्लियर करके आते हैं, ओके? और तू जाके एंट्रेंस पे रुकना, ओके? तू आ जाएगा ना? अबे आ जाऊंगा। अबे और सुन, उस भिखारी समीर को भी बुला लेना। चलो आप कल्टी मारो। अच्छा सुन, अपना ध्यान रखना। हाँ, और ये डरा हुआ है, इसे संभालना। ओके ओके। हाँ। अबे बैग दे, वहाँ पे रखना। चला जा जल्दी। तू बैल्कनी में आना, ओके? कूद के और चढ़ के। यार मुझसे नहीं होगा। मुझे पता है तू फट्टू है, लेकिन कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा। फॉलो। भगवान मेरी मदद करना। चपाती खाने का चाइनीज तरीका। ये कैसी चपाती है? बाहर में गया इसका वीडियो, पता नहीं कैसा वीडियो लेकर आ जाते हैं। हे भगवान। हे भगवान, ये तो मुंह से खून आने लगा। इसकी वीडियो की ऐसी की तैसी। अरे वो देख कैमरा। अरे वो काम नहीं करता, रनिश ने कहा तो था। अरे कहां फर गया ये? अरे वो समीर फोन नहीं उठा रहा है। जल्दी नहीं, वास्ते क्या? चला जा जा जा, जल्दी आ। मैं उस घर में जा रहा हूँ, तू यहीं रुक। जल्दी आना। मुझसे अकेले हैंडल नहीं होगा, अंदर फोन करता हूँ। कुछ खास आ गया क्या? मेरे प्यारे देशवासियों, पत्ते खेलकर अर्थव्यवस्था का सत्यानाश मत करो। अंकल भाई स्वागत है। अरे भाई डरो मत, सारे दोस्तों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सभी को मेरा सलाम। छे, कोई उठा ही नहीं रहा है। लेकिन कितने लोग अंदर हैं? अच्छा जयराज, अपनी आशा को पिंक कलर पसंद है या कुछ और? नहीं, पसंद तो उसे पिंक ही है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे पसंद है। अच्छा बच्चू, वैसे ये बात तुम्हें कैसे पता? तू मुझे नहीं जानता, मैं आंखें बंद करके सब बता सकता हूँ। जयराज, तुझे पिंक कब से पसंद है? पता नहीं सबके सब कहाँ मर गए, कोई फोन नहीं उठा रहा है। क्या हुआ एलेक्स, पत्ते अच्छे नहीं है क्या? हार रहा है ना, इसीलिए इसकी बोलती बंद है। डरता है कि पैसे खत्म होने के बाद आइटम ही दांव पे न लग जाए। ऐसा नहीं है, पिछले 3 राउंड से लगातार हार रहा ही है। अरे यार बकवास बंद करो और खेलो। अच्छा पत्ते खेल रहे हैं, शतरंज नहीं है जो इतना ध्यान दें। ये तो सब लूट ले जाएंगे। अरे पत्ते फेंको, फोन बाद में उठाना। सिक्योरिटी, हाँ बोलो क्या बात? अनजान लोग अंदर हैं, सबके सब झाड़ी में छुपे हुए, लगता है चोर हैं। अनजान लोग सब चोरी करने आए? हाँ। सुनो खेल बंद करो, किला में चोर घुसा है। अरे ऐसे कैसे, हमारे होते हुए यहाँ चोरी करने कौन आ सकता है? अगर वो हमारे हाथ लग गए ना तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो आओ, उसके लिए हम लोग क्यों जाए? प्रहलाद है ना वहाँ, उसे कुत्ते छोड़ने को बोल दो। हाँ कुत्ते छोड़ने को तो बोल दो, लेकिन हमें वहाँ खुद चलना पड़ेगा। सुनो, जिसके पास जो टूल्स हो वो अपने साथ रख लो। क्या कहा? टूल्स? मेरे साथ आओ, मैं अकेले उनका कीमा बना दूंगा। टूल्स चाहिए, डरपोक कहीं का। चलो आ जाओ, बहुत दिनों से हाथ पैर नहीं चले। चलो चलो, हिम्मत के लिए इसे ले लेता हूँ। निकल जाओ। तू वहाँ क्या कर रहा है? मैं उन्हें सीसीटीवी कैमरे में देख रहा हूँ। टीवी देखना बंद कर, पहले गेट लॉक कर। अरे समीर करते यार, कुत्तों को खोल दे। लगता है सबको पता चल गया हमें क्या कर रहा है। दिया। अरे वो लोग भी आ गए, जल्दी चल ना, जल्दी करो, चलो यहाँ से करो, जल्दी रखो सामान, जल्दी जल्दी बाहर, जल्दी बाहर, जल्दी करो, जल्दी बाहर, इसमें बाहर। अरे यार कुत्ते छोड़ दिए, अरे वो आ गए, जल्दी। लाओ लाओ बोतल, थोड़ी देर होंगे। पीछे अरे कौन है वहाँ? भेजू उधर जाओ, तो मेरे साथ आ जाओ। आ जाओ, तुम छोड़ना मत उसे, दिखे तो आवाज देना। तुम आओ ना यार। अरे यार मेरा पैर। मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मैंने कोई कुत्ते तो नहीं देखे थे। जयराज कितने लोग होंगे अंदर? पता नहीं कितने हैं। आजा। मुझे तो लगता है ये सब प्लान करके आए हैं। क्या कहा? अरे सही बताना यार। सही बता रहा हूँ यार। चलो वहाँ देखते हैं। हाँ चलो चलो, होंगे तो देखेंगे। चलो कुछ अब मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा यार। जल्दी कूद मेरे भाई। कहाँ नहीं होगा, जल्दी। इधर चलो चलो। हाँ चले गए यार, कहाँ चले गए यार, समझ में नहीं आ रहा है किधर चले। वो यहीं कहीं छुपे होंगे, अच्छी तरह से देखो। इधर देखो, ये हम क्या कर रहे हैं? तो जगह जगह पे कैमरा लगे, मुंह ढक ले, कहीं पहचान में ना जाए। ज्यादा देर नहीं रुक सकते, यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। अपना मुंह ढक के चल, कैमरे में आके तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चल, मैं निकलने का प्लान सोच रहा हूँ, तू घबरा मत, ठीक है? आजा आजा मेरे साथ, मुंह ढक ले। जल्दी कर यार, यहाँ से निकाल मुझे कैसे भी। यहाँ से नहीं, यहाँ से क्या से भाग जा रहा है? इस तरफ, इस तरफ। देखा कितनी आसानी से कूद कर भाग गए, ये कुत्ते भी उन्हें नहीं पकड़ पाए। इतनी ऊंचाई से कूद गए, मरने से भी नहीं डरते। हर दीवार लाग के भागे तीन। अरे उधर से कूद के भागे, उस तरफ से। तुम पीछे जाओ, एक और इधर जाते हैं। चलो इधर देखो, अरे बोल लेते कुछ नहीं आता, जाओ सामने, आवाज देना। दूंगा दूंगा, देख तो बिल्कुल घबरा मत, ठीक है? मैं किसी तरह उन लोगों का और कुत्तों का ध्यान भटकाऊंगा। जब वो मेरी तरफ आएंगे तो तू पीछे से निकल जाना, ठीक है? तुझे कुछ नहीं होगा। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। मत रख यार, डरने से कुछ नहीं होता, ठीक है? मैंने जो बात कही वो याद रखना। मैं जैसे इशारा करूं पीछे से आ जाना, ठीक है भाई? ठीक है, ध्यान रखना। अभी चुप जा। ए रुक जा, देख क्या रहा है? अगर कोई होशियारी थी तो हम छोड़ेंगे नहीं। आगे आया तो छोड़ूंगा नहीं, बचेगा नहीं। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पकड़ो इसे। अरे हटो, पीछे हटो। मार उसे, मार, मार उसको। देखो तो क्या हुआ इसको, खून बह रहा है। भाई देखो, मार तो नहीं गया? हाँ देखता हूँ। हाँ जरा संभल कर, उसके पास कोई हथियार भी हो सकता है। क्या हुआ पालेटा? ये तो मर गया। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गया? मैंने तो यार इतनी जोर से नहीं मारा था, ऐसे कैसे हो गया यार? अब क्या करेंगे यार, इसने तो प्रॉब्लम बढ़ा दी। क्या हुआ बताता क्यों नहीं है? अरे फोन नहीं उठा रहा है। धत तेरी की, ये कभी फोन नहीं उठाता। सुन भाई, मुझे तो पॉल की फिक्र हो रही है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं। अरे यार समीर है ना वहाँ, उसको कुछ नहीं होगा। क्यों ना बॉडी को हम गायब करते हैं, खाई में या फिर नदी में। अरे पुलिस वालों से कुछ छुपता है क्या? ये सब करने से कुछ नहीं होगा, वो कहीं से भी ढूंढ लेंगे, समझे? मेरी पहचान में कमिश्नर है, उसे बुलाकर देखे क्या? नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब बड़े ऑफिसर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो फिर क्या रास्ता है बताओ आप। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना तेज मारने की क्या जरूरत थी। मारा एक ने, सारे के सारे फंस गए। हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। इसके साथ साथ हम सब अंदर जाएंगे। बालेटा, हम सभी तेरे साथ हैं। तुझे कुछ नहीं होने देंगे। हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। ये कोई खेल नहीं है एलेक्स। यहाँ मर्डर हुआ है जिसमें धारा 302 लगती है। कैसे बचेंगे यार हम लोग। या अल्लाह, हम पर रहम करें। इससे बचने के लिए किसी को मैं जानता हूं जो हमारी मदद कर सकता है। पुलिस वाला है, सीआई है। हाँ? कुछ तो करो यार। अच्छा, उसका नाम क्या है? तिलक। अच्छा ठीक है एलेक्स, बुलाओ उसे। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो अब तुम यहाँ रहते हो? हाँ, कुछ ही दिन में। इस वक्त बुलाने की क्या जरूरत थी। अब अंदर बात करते हैं। यहाँ तो बहुत शांति है। सभी लोग बाहर गए हुए हैं, बस हम कुछ फ्रेंड्स ही हैं यहाँ पर। मजे कर रहे हो? अच्छा। जयराज बिल्डर। तिलक पुलिस वाला हूँ। आइए सर। यहाँ पे कितने विलाज हैं? 110। बड़ा आलीशान सेटअप है एलेक्स। बढ़िया है। आहा, लगता है यहाँ हर तरह की रखी हुई मिलेगी। क्यों है ना बिल्डर, गोडाउन है ये। नमस्कार। बाहर पीना सेफ नहीं होता है ना सर, और घर पर भी बीवी हंगामा करती है, इसीलिए यहाँ पीते हैं। इस मामले में पुलिस हो या बिल्डर, सबका एक ही हाल है। घर पर सब बिल्ली है ना। मेरी वाइफ बहुत स्ट्रिक्ट है, घर पर एक बूंद नहीं पीने देती है। सर आप थोड़ी ड्रिंक लेंगे? नहीं नहीं नहीं, एक पैक छोटा सा सर। क्या बात है एलेक्स, क्यों बुलाया अभी? सर थोड़ी सी तो पी लीजिए। क्या लेंगे आप, विस्की, ब्रांडी, स्कॉच? अब इतना जिद कर रहे हो तो एक काम करो, अपनी चॉइस का बना दो। तो फिर स्कॉच ही ले लीजिए, रात को वही पीना अच्छा होता है। तुम फिल्म एक्टर हो ना? हाँ सर, उसका नाम बैजू है। हाँ देखा है मैंने, हमारा दोस्त है ये। हाँ, हमेशा मार खाता है। सारे हीरो पकड़कर इसे मारते रहते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता है सर। आजकल नहीं दिख रहे हो तुम, क्या बात है? अभी काम थोड़ा डाउन है सर। वो क्यों? मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, तब से मुझे एक्टिंग के लिए कोई बुलाता ही नहीं सर। अब टांगे फैला के तो नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सर सोडा मिलाकर लेंगे ना? सोडा डालो। हाँ हाँ ठीक है। पूरी ग्लास भर दूं क्या? हाँ अच्छी बनी होगी सर। लीजिए सर। इट्स ओके, पी लीजिए। नहीं नहीं, पुलिस वाला अगर रूल तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा। अरे यार ये स्ट्रिक्ट लगता है। धीरे बोलो, सुनना, काम की बात करो इससे। यहाँ कोई खुश नहीं लग रहा। नहीं नहीं, क्या टेंशन है एलेक्स? हाँ बताओ बात क्या है। सर वो सर बात ये है, पैक खत्म हो गया तो दूसरा बनाओ क्या, अगर आप बोलो तो। एलेक्स। हाँ इतनी रात को जब मुझे मेरे परिवार के साथ होना चाहिए था, मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आया। मैं यहाँ पर इन लोगों की शक्लें देखने नहीं आया हूँ। घुमाना फिराना बंद करो, बात क्या है बताओ। जरा मेरे साथ आइए, बताता हूँ। अच्छा बिल्डर सर, उस रैक से सेकंड रो में रखी जो फोर्थ बोतल है उसे लेके आओ, मुझे पसंद आई। जल्दी लाओ। सर ये बात है, मतलब किसी को जान से मारकर तुम लोग मेरे सामने मटक रहे हो, है ना? सही है। कौन है, है? कौन है वो महान आदमी जिसने ये किया है, है? बुला रहे जा। ये है सर। तो ये है वो महान आदमी। बड़ा खतरनाक काम कर दिया यार तूने। इधर आओ। शुगर है क्या? क्या शुगर? मधुमेह? नहीं सर। है अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जेल में चपाती मिलती है, प्रेशर और शुगर सब मिल जाएगा। प्लीज बचा लीजिए। क्या बचा लो सर? मेरी बात सुनिए, ये एक एक्सीडेंट था सर। क्या सोचा तुमने? तुम लोग अपना ये सेटअप दिखाकर इस तलक को खरीद लोगे? क्या सोच रहे थे तुम लोग किसी की जान लेकर बच जाओगे? और लोग क्या तुम्हारे इशारे पर नाचते रहेंगे? ये तिलक ऐसा नहीं है, तुम में से एक भी नहीं बचेगा, सब जेल जाओगे। एलेक्स, बॉडी कहाँ है? बाहर बाहर है सर। चलो सब लोग आओ, चलकर बॉडी देखते हैं। आ रहे, आ जाओ। चलो यार चलो, मैंने पहले ही कहा तो पड़ेगा ही। कोई सुने तब ना। यार कुछ नहीं होगा ऊपर वाले। चलो कौन है? प्रहलाद, यहाँ का गार्ड है। तू भी इसमें शामिल था क्या? बोल। साहब मैंने कुछ नहीं किया, साहब लोग ही थे, मुझे तो चोरों से डर लगता है साहब। प्रहलाद तरीके से सिक्योरिटी बन गया। जब ये मरा तो तुम भी खड़े होकर देख रहे थे, तुम भी शामिल हो। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए साहब। पहले कपड़ा हटाओ, मैं बताता हूँ सजा मिलेगी कि नहीं। जवान लड़का है, तुम्हारे बच्चों की उम्र का है कि नहीं? इसकी जेब चेक कर। ठीक है सर। कुछ नहीं साहब, खाली है तब। ढको इसे। सर ये चोरी करने आया था, इसको पकड़ के पुलिस के हवाले करना चाहते थे हम, लेकिन मारने का कोई इरादा नहीं था सर हमारा। मर्डर करके सफाई दे रहा है, ये कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं है, इंसान है। अभी तुम्हारी आधी उम्र का। चोरी करने आया था, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये चोरी करने आया था? अगर पता चले तुम्हारी बीवी या बेटी के बुलाने पर आया था तो क्या करोगे? क्या करोगे तुम लोग बताओ, क्या करोगे? तिलक सर, जो होना था हो गया। माना कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जरा इस मरे हुए की जगह हम जिंदा लोगों के बारे में सोचिए। हमारी मदद कीजिए सर। सर जो कर सकते हैं कीजिए, लेकिन ये मामला लीक नहीं होना चाहिए। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं हमारा कितना नुकसान होगा। मदद कीजिए। हम मानते हैं ये गलत है, लेकिन और कर भी क्या सकते हैं? तो तुम लोगों के लिए मुझे इस लाश को दबाना होगा, है ना? चलो सिगरेट पिलाओ। हाँ सर, लाए सर। हाँ नाम क्या है? सत्ता। थैंक्स सर। ये पैकेट आप ही रख लो। नहीं चाहिए। चाहिए होगा तो बता दूंगा, जरूरत होती है तभी लेता हूं मैं। सुनो। हाँ सर। बाहर में जाओ और आइस क्यूब डालकर एक गिलास पानी लाओ। जाओ। ठीक है सर। जा। एलेक्स। हाँ मैं तुम्हारा ये केस दबा दूंगा, किसी को कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना होगा अच्छा खासा। मैं एक अमाउंट बताऊंगा, नो बार्गेनिंग नो डिस्काउंट। जब मुझे कैश मिलेगा मैं काम कर दूंगा। क्यों? कैसा रहेगा? अगर मैं चाहूं तो बस एक फोन करके ये सारा मामला निपटा सकता हूं। अब मुझे बोर मत करो, जल्दी से फैसला बताओ। सर पर पहले ये तो बताइए कि लगभग आपको कितना अमाउंट देना होगा। मुझे साहब पानी पियो सर। अर्जुन एक बार फिर से अंदर जा, एक जग ले और उसमें भर के आइस लेकर आ जा। आराम से आना, चल जा। अमाउंट 2 करोड़। 2 करोड़? हमने ठीक से सुना नहीं, आपने 2 करोड़ कहा कि 1? बिल्कुल नहीं, मैंने साफ साफ 2 करोड़ ही कहा है। ओह, 2 करोड़ ही कहा है। जल्दी बोलो, मुझे जाना है। सर 1 मिनट सर। बालेटा मेरे साथ आओ। भेजो। 2 करोड़ मांग रहा है, इतना पैसा किसके पास है? एलेक्स तो भी जा। अब क्या करेंगे? इतना नहीं दे पाएंगे यार, 2 करोड़ कहाँ से लाएंगे हम? उसे मना करने से पहले केस की सीरियसनेस के बारे में सोच लो। हमारे सामने कोई मामूली पुलिस वाला नहीं है, वो बिना किसी लूप होल के भी हमें फंसा सकता है। अरे जयराज तुम भी अब कुछ भी बोल रहे हो कि हमने किया है, हमने किया, हमने किया है। ये इसने किया तो ये भुगतेगा ना। हमने क्या किया है? सिर्फ एक चोर का पीछा तो कर रहे थे हम लोग। हाँ मारा तो उसने है ना, जब इसने मारा है तो पैसा भी यही भरे, इसमें हमारा क्या लेने देना? हाँ देखो बात तो तुम्हारी सही है, अगर 2 करोड़ देने हैं तो हर एक को कितना देना होगा? एक चोर को पकड़ने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से देंगे हम लोग? भाई अगर 5-10 लाख होते तो हम सोच सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ बात 2 करोड़ की है, मैं नहीं झेल सकता। बैजू मेरा तो सारा पैसा फिल्म बनाने में बर्बाद हो गया और अब तो कोई काम के लिए भी नहीं बुलाता। अब तो बाप के रहमो करम पर जी रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज। अब अरे तो ये बताओ कि हमें करना क्या चाहिए? किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम सबने कहा ना कि मैंने उसे मारा है, इसलिए कोई भी अब 1 रुपया नहीं देने वाला है। जय मुझे बस अपनी बेटी और पत्नी की चिंता है, वरना अब तक गुनाह कबूल करके जेल में होता। चलो उसे बता दो हम तैयार हैं। पालेटा तुम अकेले नहीं हो, मुझसे जो भी हो पाएगा मैं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं रे, ये मैं अकेले ही करूंगा, उसे मारा तो मैंने ही है ना, तो मुझे ये बर्दाश्त करना भी पड़ेगा। जाओ उसे बता दो। पालेटा जाओ। क्या? अब आओ मेरे साथ। हमारी वजह से ये सब हुआ? बिल्कुल भी नहीं। समझ में नहीं आ रहा यार। हाँ क्या करना है, रुको या स्टेशन फोन करो? सारे पैसे बालेटा ही चुकाएगा। क्यों, बाकी लोगों को क्या परेशानी है? अब उन्होंने उसे नहीं मारा ना, इसीलिए वो अपना शेयर नहीं दे रहे हैं। ओह अच्छा है, चलो सब लोगों से मिलते हैं। आ जाओ आ जाओ। क्या बोलते हो यार? बोलना क्या यार, कुछ नहीं देंगे। चलो सब लोग स्टेशन चलो। चलो चलो। क्या हुआ सर? ये लोग तो पैसा देने से मना कर रहे हैं पर बलेटा दे रहा है ना सर। लेकिन मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ, मुझे अकेले एक आदमी से पैसे नहीं चाहिए। 2 करोड़ मुझे तुम सभी से बराबर बराबर शेयर चाहिए, समझ लो बात, नहीं तो डील नहीं करूंगा। सर क्या सर, आपको कैसे भी करके पैसा मिल रहा है ना, चाहे वो दे चाहे हम दे, इसमें आपको परेशानी? परेशानी क्या? मुझे क्या करना है नहीं करना ये तुम मुझे बताएगा, तुम सभी दोगे। ये अकेला पैसा नहीं देगा, तुम सभी ने मिलकर उसको मौत के घाट उतारा है। मेरी परेशानी है, सुन ये मैं बताऊंगा कि कौन क्या करेगा, समझ में आई बात? परेशानी क्या है? सुनिए सर। एक बात अच्छी तरह सुन लो, अगर तुम सबको इसे बचाना है, जो कहूंगा वही करना है। अगर कोई होशियारी की तो तुम सबको जेल में सड़ा दूंगा। चलो सब बॉडी के पास आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। चलो पता नहीं है। चलो ठीक है, इधर आओ। चलो भाई। यहाँ खड़े हो? पर क्यों सर? जो कहा करो, जल्दी करो। कपड़े हटाओ इसके। जो कहा करो। हटा रहा हूँ सर। सर वो फोन करके बताओ। जाओ वहाँ खड़े हो। हाँ सर। पता नहीं क्या हुआ। अरे सर, क्या कर रहे हैं? अरे बोलो ना। सर क्या कर रहे हैं सर? सर प्लीज सर, अपने चेहरे को छुपाकर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। शानदार फोटो है, सब के सब सुंदर दिख रहे हो। अब तुम में से कोई नहीं कहेगा कि तुम लोग इसमें शामिल नहीं थे, है ना? अब तो मामला और सीरियस हो गया है। अब मैं 10 मांगूंगा तो भी दोगे, दोगे ना? प्लीज सर पैसे मत बढ़ाइए, हम 2 करोड़ देने को तैयार हैं। आप हैप्पी हैं ना? हैप्पी? 10 करोड़ के बाद की तो तुम लोगों को 2 करोड़ कम दिखने लगा। ऐसी बात नहीं है सर। तो अब हम लोग एक डील करेंगे, या अभी भी किसी को पैसे देने में मलाल हो रहा है तो बता दो। अगर हो रहा है तो मलाल खत्म कर दूंगा। एलेक्स, हाँ डील सेट है ना? हाँ। पैसे दे दो, मैं काम शुरू करता हूँ। कोई इसका मुंह ढको। सुनो, तो चलो अब डील सेट है तो हम लोग आगे की बात कर लें, क्यों? हाँ कर लेते हैं सर। आओ अब आगे क्या बात करेगा ये? ये गार्ड कैसा आदमी है? सीधा साधा आदमी है, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। उस पे भरोसा कर सकते हैं सर? ये तो पता नहीं। देखो अपना केस तो एकदम आसान है। एक चोर अंदर घुसा, वो उसे पकड़ने के लिए भागा, कश्मकश में उससे वार हो गया, मामला साफ है। मैं बस इसी तरह की FIR लिख दूंगा, तुम लोग सेफ। लेकिन अगर उसने ज्यादा नाटक किया तो पैसे लेके मानेगा? थोड़ा डाउट है सर, आप खुद ही बात कर लीजिए तो शायद मान जाए। पानी ठंडा हो गया क्या? हो रहा है साहब। ओए, सुन, कुछ पूछना है मुझे। साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मेरी पत्नी को भी भरोसा नहीं होगा कि मैं किसी को मार सकता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। किसने कहा कि तूने कुछ किया है? मुझे तो तुझसे अपने ड्रिंक के बारे में पूछना था। उसमें दम नहीं है, वो पंगा नहीं करेगा। कोर्ट में पलट सकता है, तब देख लेंगे उसको। तुम बैठो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार तिलक ने जो बोल दिया समझो कि काम हो गया। एक काम करता हूँ, मैं अपने लोगों को बुलाता हूँ, बॉडी क्लियर कर देंगे और उसे ठिकाने भी लगा देंगे। उसके बाद लाश का कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन उन्हें पैसे देने होंगे, और वो भी कैश। जल्दी से 8 लाख कैश का इंतजाम करो। क्यों बिल्डर? कैश देना होगा, वो भी 8 लाख रुपए? क्यों? मेरे पास तो नहीं है। इतनी जल्दी इंतजाम होना मुश्किल है। अरे क्या यार, क्या पता चावल के बर्तन में, अलमारी में, तकिया में निकल जाए। जाओ लेकर आओ, टाइम नहीं अपने पास। लेकिन ठीक है, 8 लाख मैं लेकर आता हूँ, इसे मेरे अकाउंट में एडजस्ट कर लेना। ये तुम लोग आपस में ही देख लो कि 8 लाख कैसे लाओगे। मैं जरा अपने आदमियों से बात कर लूँ। ये कैसी डील है? 2 करोड़ तो हम दे ही रहे हैं ना, फिर 8 लाख क्यों? क्या है सब? मुझे नहीं पता, अब तो हम फंस गए। सवाल करेंगे तो और ज्यादा मुंह खोलेगा। भाई सुनो, क्या हुआ यार? तुम लोगों से एक बात बोलूं क्या? हाँ। सर से रिक्वेस्ट करके मुझे यहाँ से जाने की बात करना, क्योंकि कल सुबह मुझे फिल्म की मुहूर्त में जाना है। अबे क्या कर रहा है, थोड़ा पीछे हटना। अरे एकदम मस्त है यार, कपड़े देख के लग रहा है कहीं बाहर से आ रही है। अरे वाह क्या बात है। अरे ये सब क्या हो रहा है यार, कहीं कोई दूसरा वाला सीन तो नहीं चल रहा है? अरे चुप कर यार, चुपचाप देखना। तेरी वाइफ को फोन करके बता दूंगा, सोना मत। सॉरी, मैं अपने वाइफ को बता देता हूँ, अगर वो सो गई तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। तो अंदर देखता रहा, मुझे बाद में बता देना। अरे मैं तुझे बताऊंगा, चल निकल यहाँ से। जा, तेरा फोन बज रहा है। मेरा फोन बज रहा है? तो बात कर, मैं देखता हूँ। अरे तिलक सर का फोन है यार। तिलक सर को मरे हुए तो 5 साल हो गए ना। छोड़, ये पुलिस वाला तिलक है यार। तो बात करना। सर तुम लोग अभी? मैं सर मैं बाहर हूँ, थोड़ा काम से आया था सर, बस। ऐसा है? बाईपास के पास एक टाउनशिप है, वहाँ बहुत सारे विला हैं। गेट पर पहुंचकर मुझे फोन करना। और सुनो, उन्होंने 4 लाख कहा था, मैंने बढ़ाकर 6 कर दिया है। उसमें से थोड़ा खुशी खुशी मुझे भी देना। सर आपकी आवाज कट रही है, मैं नेटवर्क में आके बात करता हूँ सर। पहुँच कर फोन करो। जल्दी आई था, रुकना। अरे मैंने कहा क्या कर रहा है, जल्दी आ इधर। अरे भीतर इतना जल्दी चल रहा है, तू क्या परेशान कर रहा है? अरे तिलक सर का फोन आया था, कोई 4 लाख के गेम के बारे में बात कर रहे थे। एक अमीर आदमी ने किसी को जान से मार दिया है। बस हमें उस लाश को ठिकाने लगा देना है। बस इतना ही काम है और कुछ नहीं करना है। अच्छा तू तैयार है ना? मैं देख लूंगा सब। हाँ तो ठीक है ना, मैं किंगनी को फोन करके बुलाता हूँ। अभी किंगनी को मैं बुलाता हूँ, तू जाके चकारो। बोलिए काम पे ध्यान दे, झांकना मत यार। हेलो किंगनी। हाँ बोल। सुनो, तिलक सर ने काम दिया है। अच्छा? 2 लाख रुपए का काम है, पूरे 2 लाख रुपया। हाँ। जाने क्या होगा। ये लो सर, पूरे 8 लाख। तुमने छापे क्या? काश ऐसा कर पाता। जब तक मैं छापूंगा और सुखाऊंगा, अगर नोटबंदी हो गई सर तो। हाँ सही कहा। क्या भाई आप सब ठीक है ना? इसकी टेंशन अभी तक नहीं गई। क्या करते हो तुम? फार्मास्यूटिकल्स और इसके अलावा हेयर ऑयल और दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं। ब्रांड का नाम? नीलिमा हेयर केयर ऑयल। बढ़िया है, मेरी वाइफ का फेवरेट है। उसे यूज करके उसके बाल कमर तक आ गए हैं। क्या खुशबू आती है। किसकी सर? अबे तेल की यार। ओह तो सुनो, जब वो लगा के नहा के आती है ना, पूरे मूड में रहती है। एलेक्स यहाँ कितने कैमरास हैं? यहाँ पर 4 लगे हुए हैं। यहाँ नहीं, अंदर कितने लगे हैं? 12 लगे हैं साहब। मॉनिटर रूम कहाँ है? बाहर कैबिन में। दिखाओ। अब क्या होगा यार? आजा भाई। हाँ सारे कैमरास ऑन हैं। जी। इसका इरादा बस पैसे बनाने का है, समझ गया ना? अगर ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा ना तो ये पैसे नहीं मांगेगा। ये बहुत बड़ा लालची लगता है। क्या लगता है तुझे? सही कह रहा है। और सुन, तू कहीं नहीं जाएगा। गुड। ओए टोपी, ये तो बड़ी बेरहमी से मारा उसे। उस लड़के की खोपड़ी फूट गई होगी। तो यही है तुम लोगों का परफॉर्मेंस। इसने अकेले मारा है और बाकियों ने कुछ नहीं किया। क्यों? तो ये सब क्या दिख रहा है? सर बात ऐसी थी कि... कर अपना। ये सबूत काफी है तुम सबको अंदर करने के लिए, वो भी घसीटते हुए। सारे विजुअल्स डिलीट हो जाने चाहिए। फिर सर्विस टीम को फोन करना और इनके खराब होने की कंप्लेंट करना। कंप्लेंट क्या हुआ था सर? अभी कल ही ठीक करके गए हैं साहब। क्या कंप्लेंट थी? यही कि विजुअल्स कैप्चर नहीं हो रहे थे सर। परफेक्ट। तो उनसे भी यही कहना कि उनके जाने के बाद सिस्टम ठीक नहीं हुआ। ठीक है सर। डिलीट करने से पहले मुझे इसकी कॉपी दे देना। क्या है ये? अरे मेरे भाइयों, बाद में तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। बाद में अगर केस में कोई लफड़ा हो गया तो उसे क्लियर करने के लिए बस एक प्रिकॉशन है और कुछ नहीं। चलो उसे एक पेन ड्राइव में डालना। ओके सर। अंदर कितने लोग घुसे थे? 2, 3, 4 लोग थे साहब। हाँ 4 लोग थे सर। 5 थे। क्या? अंदर 5 लोग घुसे थे, 3 लोग भाग गए और 1 को तुमने मार डाला। तो फिर वो 5वां लड़का कहाँ है? एक और लड़का वो बाहर नहीं गया है, वो यहीं कहीं है, हमारे आसपास ही है। आखिर गया कहाँ? ये क्या है? मैं क्या बताऊं? मैंने जो तुम्हारे 4.5 पैक पिए थे निकाल दिए वहां पे, देखो। अरे ले तेरे सिगरेट के पैसे। और सुन, हम लोगों के बीच कभी कोई संबंध था ही नहीं। भूल जाओ कि मैं यहाँ पर आया था। उस बॉडी को दफनाओ या जो करो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? अचानक इरादा क्यों बदल दिया? हमने तो डील भी फिक्स कर ली थी। ऐसी डील? एक आदमी जो तुम्हारी करतूत का जीता जागता गवाह है, वो यहाँ आस पास घूम रहा है। वो अगर बाहर चला गया तो तुम सब जेल जाओगे, साथ में मैं भी फंसूंगा। चलती ट्रेन के नीचे जानबूझकर कटना मुझे पसंद नहीं। ये सब क्या बोल रहे हैं एलेक्स? अरे रुक यार, देखिए वो तिलक सर एक शब्द नहीं। तूने मुझे यहाँ बुलाया और तेरी चक्कर में मैं फंस गया हूँ। एक शब्द और निकाला तो काट डालूंगा। हाँ, डील कैंसिल हो गया, घर चले जाओ, अब कोई काम नहीं है, ठीक है? हाँ। अबे गाड़ी क्यों रोका? चलो नीचे आ जाओ, फिर बताता हूँ क्या हुआ। वो तिलक साहब का फोन था, आज की डील कैंसिल हो गई। क्या कैंसिल है? तिलक सर ने हमारे साथ ऐसा कैसे मजाक किया, फालतू में नींद खराब कर दी और घर भी वापस नहीं जा सकता। वाइफ को बोल के आया था, पूरी रात खराब कर दी इस आदमी ने। क्लियर करके ही मुझको बुलाना चाहिए था ना। क्यों बे, कहीं का लाट साहब है तू? अरे बकवास बंद करो तुम लोग, यहाँ 6 लाख का काम हाथ से निकल गया, पता है तुम्हें? 6 लाख? तूने तो मुझे 4 लाख बताए थे ना। क्या 4? तूने तो मेरे को 2 लाख बताया था ना। इसको झूठ बोला और तुम दोनों ने मेरे से झूठ बोला। ये क्या है सर, हमने आपसे क्या उम्मीद की थी और आप कॉमेडी कर सामने से। आप ही बताइए, 2 करोड़ रुपए इस तरह छोड़ना कॉमेडी नहीं है तो और क्या है सर? हाँ, विला के अंदर एक और गवाह है, ये जानकर आप नाराज होकर वापस जा रहे हैं? हाँ, मान लेते हैं जैसा आपने कहा वो अंदर ही है, हमारे आसपास ही है, तो क्या उसके लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे? सोचिए, अगर उसने गवाही दे दी और हम सब फंस गए तो क्या होगा। वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए सर, अगर आप चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और अभी तक आपने जो भी कहा है हम सब मान रहे हैं। देखिए तिलक सर, उसका भी इलाज हमें करना ही पड़ेगा। आप जो कर सकते हैं कीजिए, आपको 2 करोड़ के अलावा जो कुछ भी चाहिए वो हम सब आपको देने के लिए तैयार हैं, विश्वास कीजिए। जंगो, हाँ सर। कहाँ पहुँचा है? बस घर पहुँचने ही वाला। घर मत जा, यहाँ वापस आ जा, एक काम और आ गया है। अच्छा। आओ एलेक्स। बताओ साहब, बॉडी किधर है? वहाँ सामने कॉर्नर पर पड़ी हुई है। हाँ। ऐसा करो, उसे ढकोर ले जाओ, ठिकाने लगाकर जल्दी वापस आओ। तुम्हें एक और पकड़नी है, ये दूसरा काम होगा। ठीक। काम क्लीन होना चाहिए। क्या बात कर रहे तिलक साहब, अपनी आंखें खोलो और देखो, वो जैंगो जैके, किलर सुरेश और मैं किंगनी, हमारा काम बोले तो एकदम क्लीन ही होता है। सर पैसे कितने मिलेंगे? 8 मिलेगा। चलो जाओ। सर आपने तो 6 बोला था ना। हाँ, वो जुबान से फिसल गया था। 6 मिलेगा, कैश रेडी है। वैसे उसमें से मैं थोड़ा सा तो लूंगा ही लूंगा, मुझे भी तो कुछ फायदा हो। हमारे हिस्से में से क्यों लेते हैं सर, आपको तो मिलेगा ही ना। मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, ये तो बस फ्रेंडशिप के लिए, चैरिटेबल सोसाइटी, बस यही। निकलो। चलो रे, आता हूँ सब। एलेक्स, हाँ? हर समय सीसीटीवी पर कोई ना कोई होना चाहिए, एक फ्रेम भी मिस ना हो। वो अपना प्रहलाद है ना? हाँ तब ठीक है, नहीं तो तुम सभी को ही जेल जाना होगा। चलता हूँ। हाँ? तुमने तो कहा था कि ये वहाँ बैठा है, अब तू यहाँ पर क्यों आ गया भाई? आप ऑफिस में पेन ड्राइव भूल गए थे। हाँ वही रहना जी। सुनो, तुम सब आपस में एक दूसरे के फ्रेंड हो, लेकिन वो जो सिक्योरिटी वाला है वो तुम्हारा कोई नहीं लगता है। सर आपका मतलब क्या है? उसे सेटल करते हैं, अगर उसने कुछ लीक कर दिया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, समझे? इसीलिए उसे कुछ अमाउंट देके उसका मुंह बंद करते हैं। हाँ बात तो सही है। तिलक सर आप ही उससे बात कीजिए ना और अमाउंट फिक्स कर दीजिए। हमें उससे बात करने की क्या जरूरत है, उसके लिए पाची काफी है, पक्का मान जाएगा वो। मैं ये काम कर दूंगा। कल जो कुछ भी हुआ उसे तूने भी देखा है, इस तरह से तू भी इसमें शामिल है। सब, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। देख बेटा, ऐसे केसों में कुछ ना करना ही गलत है। अब जो मैं कहता हूँ बस वो सुन। अगर कल को मामला लीक हुआ तो इन लोगों का जेल जाना निश्चित है, और इनके साथ तू भी फंसेगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे कितना मिलेगा? क्या तू तो बड़ा होशियार है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। दिमाग है तेरे पास। कोई नेगोशिएशन नहीं, 3 लाख मिलेंगे। 3 मेरी तरफ से आप ही रख लीजिए, इतने में मेरा काम नहीं चलेगा साहब। तो क्या चाहिए तुझे? मैंने कहा ना 3 दे रहे हैं तो मुझे नहीं चाहिए। अगर 5 देंगे तो वादा करता हूं अपना मुंह कभी नहीं खोलूंगा। आप जो कहेंगे सिर्फ वही कानून थोड़ी है, ऊपर वाला भी तो देख रहा है साहब। मुझे लगता है आप भूल गए। ठीक है तुम जाओ, मैं बुलाता हूँ। जी साहब। एलेक्स। हाँ? वो तो लार टपकाए जा रहा है। हाँ? उसे खुश करना होगा, नहीं तो पंगा होगा। एक काम करो, 7 लाख का इंतजाम करो। हाँ, हाँ? 7 लाख? हाँ बुलाओ सबको। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यार? मैं यहाँ अकेले गड्ढा खोद रहा हूँ और तुम लोग यहाँ देख रहे हो। पैसे लेने की नहीं? क्यों, इतने में थक गया? बोला था ना मैंने तेरे बस का नहीं है। बाहर आओ, इतना जल्दी थक गया? थक गया था इसलिए। छोड़ना, कोई बात नहीं, चल खोद। अरे यार यहाँ से कुछ तो आवाज आई। अरे यार पत्थर वत्थर होगा, तू खोद ना। मेरे को लगता है इसके नीचे पत्थर ही पत्थर है। जाओ बॉडी लाओ, आगे खोद नहीं पाऊंगा। जल्दी लाओ। क्या हुआ? अरे बाप, अरे यार ये तो वापस जिंदा हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? ये वॉचमैन पैसा खाने के बाद मुंह नहीं खोलेगा क्या गारंटी है? हाँ, उसके बाद भी हम फंसे तो क्या होगा? हाँ बोलो सर। वो लड़का तो जिंदा है। क्या बात है सर? अरे कुछ नहीं। हाँ हाँ बताओ। हाँ कोई बात नहीं, बस डील का मैटर है। सुनो एक काम करो, तुम पे बात करता है मेरी टेंशन बढ़ जाती है। क्या कहा तूने? लड़का जिंदा है सर, हम दफना रहे थे तब पता चला। आप क्या करें सर? मार दे उसे, मार के दफना दे और फिर मुझे फोन करना। लेकिन साहब। क्यों बे, क्या हो गया तुझे? तेरे बस का काम नहीं है ये, मारने को बोला तो मार। जैसे बोलते वैसा करता हूँ साहब। ओके। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, गड्ढा रेडी है, दफना के निकलते हैं यार। एलेक्स। हाँ मैं निकल रहा हूँ। सर आप कैसे जा सकते? सर वो दूसरे लड़के का क्या होगा? मैंने तुमसे मामला दबाने की डील की थी। मेरे लोग बॉडी डंप करके कभी भी आ जाएंगे, उसके बाद वो यही रहेंगे, उन्हें जो चाहिए दे देना, वो लोग पकड़ देंगे उसे। अरे पकड़ो बराबर। हिलना मत, मैंने कहा हिलना मत। सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने आवाज की तो वो लोग मुझे मार देंगे। अगर मैं बुरा होता तो मैं कब का तुम्हें मार चुका होता। मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं। अच्छा मैं इसे निकाल दूंगा, लेकिन तुम मुझे कुछ करना नहीं। अगर तुमने कुछ किया तो हम दोनों के लिए दिक्कत हो जाएगी। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें यहाँ कौन मार देगा? अगर चोरी करने आए हो तो बस पुलिस पकड़ेगी तुम्हें, नहीं तो नो वन इज गोइंग टू हर्ट यू। बस करो, बहुत बोल लिया तुमने। Please. You are in my house, my room. इसीलिए मैं जो चाहूंगी पूछूंगी और तुम्हें बताना पड़ेगा। मैं यहाँ पैसे या गहने चुराने नहीं आया हूँ। मैं कोई चोर भी नहीं हूँ। जिस तरह से अमीर लोग स्टाइल मारते हैं, उसी के लिए हम लोग यहाँ जूते चप्पल चुराने आए थे। लेकिन यहाँ सबको पता चल गया। उन्होंने हमारा पीछा किया, सब तो भाग गए, हम दो फंस गए। मैं यहाँ तुम्हारी आंखों के सामने हूँ और मेरा एक दोस्त वहां फंस गया और उसे उन लोगों ने मार दिया। लेकिन ये सब किया किसने? इसी विला के लोगों ने। वो मुझे भी मार देंगे। उन्हें पता है कि मैं यहाँ अंदर हूँ। देखो, मेरी बात सुनो, तुम रो मत। पहले मैं चेक करती हूँ कि जो तुमने कहा वो हुआ कि नहीं। जो तुमने कहा अगर वो सच हुआ तो आई विल हेल्प यू, और अगर ये झूठ हुआ तो? अगर झूठ हुआ तो जो चाहो वो करना, और अगर तुम मेरे बारे में किसी को बताओगी तो मैं अपना गला काट के मर जाऊंगा। हे, नो नेवर, बी हियर, आई विल बी बैक। पापा गुड मॉर्निंग, मम्मा गुड मॉर्निंग, चाय चाहिए। हाँ। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम जाग गई बेटी? मैं जल्दी जाग गई तो नीचे आ गई। आपको गुड मॉर्निंग कहा, आपने सुना ही नहीं। वो मैं जरा कुछ सोच रहा था तो इसलिए। पापा कल रात यहाँ कुछ हुआ था क्या? अरे क्या हुआ? आराम से पापा, क्या बात है पापा? कुछ नहीं। लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा बेटी? बस ऐसे ही। कल रात को सोते समय कुछ आवाजें आ रही थी, बस इसीलिए पूछा। एनीथिंग रॉन्ग पापा? नो नो, नथिंग, नथिंग इज रॉन्ग। अरे गुड मॉर्निंग बेटी। मॉर्निंग अंकल। यहाँ मेरा छोटा डॉगी कहीं खो गया, इधर ही था, ढूंढता हूँ। एलेक्स। हाँ एक मिनट सर। हाँ अब बोलिए सर। पूजा बेटी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही है? सोचा चाय पीते पीते थोड़ा टहल लूँ। वो अंकल फोन पर इतना सीरियसली क्या बात कर रहे हैं? वो एक बिजनेस के सिलसिले में, क्या है कि एसोसिएशन डे आने वाला है ना, उसी का डिस्कस कर रहे थे। ओके सर, कैश का इंतजाम हो जाएगा। एलेक्स मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, क्या हुआ? हाँ इतनी बड़ी जगह का क्या फायदा जहाँ पर हम टॉयलेट भी नहीं जा सकते? जरा कंट्रोल कर यार, ये भी हिम्मत वाला ही काम है। मुझे देख, मैं 3 दिन से खड़ा नहीं अभी तक। अबे सुन, ये तुझे कहाँ मिला? घर से लेके चलता है क्या? अच्छा वो रात में कुछ खाया नहीं तो सब निकल जाता। आप वही कटप्पा हो ना जिसने बाहुबली को मारा? मैं ही हूँ। अच्छा सच में? हाँ ये देख, अरे देखो बाहुबली को मारने वाला कटप्पा यही है यार। अरे देख, देखना। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी? अरे वो एक नई फिल्म बन रही है ना, उसमें इन लोगों को काम चाहिए, इसलिए मुझसे मिलने के लिए आए हैं। आज तुम्हें क्लास नहीं जाना है क्या? हाँ जाना है अंकल। तो मुझ पे विश्वास हुआ ना? समथिंग हैपन, लेकिन पक्का नहीं है। देखो अगर तुम मुझे साफ साफ सब कुछ बताओगे तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। अच्छा, तो एक साथ पांचों फिल्म देखने गए और वहां से वापस लौटे सिर्फ 3 और बाकी के लड़के गायब हो गए। यही ना? मुझे यहां बताए जाने के सिवा अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो देख लो। अगर तुम्हारी तरफ से कुछ भी गड़बड़ हुई हो तो छुपाओ मत, उसे अभी बोल दो। सच बुलवाने के लिए हमें मजबूर मत करना, नहीं तो इतना मारूंगा ना। इन्हें कुछ नहीं पता सर, पता होता तो बता देते। इन्हें मैं जानता हूं सर अच्छी तरह। सच में? वैसे तुम कौन हो? ये लापता समीर के फादर हैं सर। वो लोग किसी टूर पे गए होंगे। आजकल यही फैशन है, जैसा फिल्मों में देखते हैं वैसा ही करते हैं। हो सकता है कहीं पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे हों, ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। क्या पता सच में कहीं पहाड़ पे चले गए हों। एक रात और देख लो, हो सकता है आ जाए। देखो चिंता मत करो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। उन सबके फोन नंबर लिख लो। सर सर, इन्हें तिलक सर ने बुलाया है। सर ये लो, ये फाइल वहां रख दो। यस सर। अशोक आओ, बैठो। थैंक यू सर। 2 दिनों तक मुझे किसी भी चीज के लिए फोन मत करना, मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। शिबू सर आजकल बिजी लग रहे हैं, कोई केस सॉल्व हुआ? अरे वो केस कभी सॉल्व नहीं होगा सर। वो तो एक नई मूवी देखने गए थे, उनमें से 2 घर वापस ही नहीं आए। अच्छा ये बात है। कौन सी फिल्म? सर वो 5 लोग फिल्म देखने के लिए PVR गए थे कल रात का नाइट शो देखने। उसमें से 3 तो घर वापस आ गए, लेकिन बाकी 2 मिसिंग है। कितने लोग गए थे? 5 लोग। वापस कितने आए? 3 लोग। मतलब 2 मिसिंग है। हाँ सर। अच्छा जरा बुलाना तो उन्हें। सर वो बच्चे हैं सर, अगर उनसे कुछ पूछा तो वो घबरा जाएंगे सर। मैं भी इंसान ही हूं यार। जाओ बुलाओ उन्हें, जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, जाओ बाहर जाओ। तुम तीनों मेरे साथ आओ। सुनो, अंदर जो साहब है वो बहुत खतरनाक है। वो तुमसे जो भी सवाल करे सच सच जवाब देना, वरना तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, समझ गए? आओ। अशोक तुम जाओ, मैं इन लोगों से बात कर लूंगा। सर आओ। कैसी लगी कल रात की फिल्म? बताओ कैसी थी? अरे कुछ तो बोलो, ये बहुत ही सज्जन लोगों का पुलिस स्टेशन है, फिर भी तुम कुछ नहीं बोल रहे। बताओ फिल्म कैसी थी? इनमें से तू सबसे लंबा है ना, जाके उस कुंडी को लगा। जा कुंडी लगा। जल्दी करो। अच्छा तो तुम 5 कल रात फिल्म देखने गए है ना? 3 वापस आए और 2 मिसिंग है। कहाँ गए तुम्हारे वो बाकी 2 दोस्त? हाँ बताओ ना कहाँ है? तुम 5 एक साथ ही फिल्म देखने गए थे ना? हाँ बताओ, बताओ, बताओ। नहीं सर, मुझे सब सच बताओ, वो नहीं जो बाहर बताया। सच सुनना है मुझे। माफ कर दो सर, बताते हैं सर। हमें लगा कि वो भी आ जाएंगे सर। जब वो आए ही नहीं तब डर के मारे हम लोगों ने खामोश रहना ठीक समझा सर। अरे बच्चों, ये तुमने कैसी मूर्खता का काम कर दिया। हे भगवान, पता नहीं क्या हुआ होगा। ऐसे आधी रात को तुम वहां बस कपड़े और जूते चुराने चले गए, जेल भी जा सकते थे। अरे अगर इस उम्र में जेल जाओगे तो तुम्हारा खून निचोड़ के रख देंगे वो। अच्छा हुआ जो शिबू सर के हाथ नहीं लगे। मेरे सामने हो, किस्मत अच्छी है, मेरा स्वभाव अच्छा है। सर सच में हम बुरे लड़के नहीं है सर, कैसे भी हमें बचा लीजिए सर। रो मत मेरे बच्चे, मैं हूं ना। मेरे भी तुम्हारे जैसे 3 छोटे भाई हैं। तुम्हें देखकर मुझे उनकी याद आ रही है। अब सुनो, तुमने जो कुछ भी किया उसे अपने तक ही रखना। जो मुझे बताया किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, समझे ना? हाँ। समीर और पाल, अरे वो आ जाएंगे, डर के मारे कहीं छुपे होंगे, आ जाएंगे, घबरा मत। लेकिन तुम लोगों ने जो किया वो किसी को नहीं बताना, उन्हें मैं ढूंढ लूंगा, समझे ना? क्या? हाँ? सुनो, तुमने जो कहा और यहाँ जो हुआ उसे हमारे बीच रखना है, किसी को भी नहीं बताना है। तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, समझे? जो भी बात हो मुझे ही बताना, बिना मुझे बताए कोई फैसला मत लेना, ठीक है? मेरा नंबर ले लेना। अब जाओ। सुनो, अच्छा वो उन दोनों का नाम क्या बताया था? समीर शाहजहान और पॉल चांडी। पॉल को हम पाचा बुलाते हैं। हाँ, जाओ। समीर और पॉल, एक मर चुका है और दूसरा अब मरने वाला है। सर, आपकी कार बहुत ज्यादा स्पीड में आते हुए देखकर मैं भागा चला है। कुछ गड़बड़ होने वाला है क्या? हमारी ऐसी की तैसी होने वाली है और क्या। ये क्या हो गया? सर, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ सर, बोलिए क्या बात है, हम बात करके मामला सेट कर लेंगे। हाँ सेट ही है। जिस लड़के को तुम लोगों ने मारा वो किसी दूसरी जगह से यहाँ नहीं आया था, वो लड़का इसी जगह का था। समीर शाहजहां, उम्र 20 साल, और जो लड़का यहाँ फंसा हुआ है जिसे मारने की जरूरत है, नाम है पॉल चांडी, उम्र 21 साल। लेकिन सर, ये डिटेल्स आपको मिली कैसे? किस्मत से जब मैं स्टेशन पहुँचा तो ये केस मेरे पास ही आया, तभी तो डिटेल्स पता चली। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ की हुई डील को कैंसिल करने का यही समय है, इसीलिए मैं ये बात बताने तुम्हें आया था और बता दी। मेरी टेंशन खत्म, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं। मैं मामला समझ चुका हूँ कि सर को क्या टेंशन है। अब इसके लिए नया अमाउंट आप बताओगे या हम खुद ही फिक्स कर लें? हाँ? अब हम और कितना पैसा देंगे? अरे इन्हें बोलने देना। सर प्लीज प्लीज सर। अरे भाई, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, ये पैसे मेरे लिए थोड़ी हैं। हाँ ना, बहुत कुछ सेटल करना है, हर जगह पैसा ही दौड़ाना पड़ता है। एक काम करो, 3 के साथ 1 20 और जोड़ दो, 4 20 हो जाएंगे। तुम लोग यहाँ 7 हो तो सबके लिए अच्छा फिगर हो जाएगा। देखा जाए तो 7 लोगों के लिए 3 भी अच्छा है। आप उसे छोड़ दो सर, हम पैसे दे रहे हैं क्योंकि इससे बाहर निकलना हम सब की जरूरत है। एलेक्स, हाँ, ये अच्छी बातें करता है, मुझे इसका स्टाइल पसंद आया। स्टाइल छोड़िए सर, मुझे आप भी बहुत अच्छे लगे, पर आपके जो ये तेवर है ना, वो हम सबका खून चूस रहे हैं। आपके ये तेवर हमारे लिए जेवर बन गए क्योंकि हम सब लाचार हैं। पर जरा सोचो सर, क्या ये पैसे आप हजम कर पाओगे? मैं बहुत डर गया हूं, बाहर काफी लोग आए हैं, आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। किसी को यहाँ मेरे बारे में पता तो नहीं चला? शायद वो क्लीनिंग के लिए आए हैं, बाहर किसी को कुछ नहीं पता। अब मैं क्या करूं? मुझे अपने दोस्तों का नंबर भी याद नहीं है, लेकिन वो लोग फेसबुक पे हैं। मैं उन्हें मैसेज करूं तो कैसा रहेगा? नहीं, अभी मत करो, मुझे किसी को फोन करना है। वो मेरा फ्रेंड है, वो जरूर इसका कोई सॉल्यूशन निकालेगा। अगर तुमने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया तो वो भी परेशान हो जाएंगे। सो लेट मी कॉल हिम एंड ट्रस्ट मी, ही विल सॉर्ट दिस आउट। Give me that. Give me that. कौन है ये? सैम, मेरा बॉयफ्रेंड। मैं इसी को कॉल लगा रही थी। ये समीर है, इसी को मारा है उन लोगों ने। समीर है ये। मम्मी कहाँ है? बेडरूम में होगी ना। पापा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और इस बारे में मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या बात है बोलो। मुझे बताइए कि कल रात यहाँ क्या हुआ था। कल रात को कुछ भी नहीं हुआ बेटी। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा। सपना नहीं था, सच है पापा। You have killed someone. No, 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 नहीं। तुम्हें कैसे पता है? हैं? पापा मुझे सब पता है, ये आप सभी ने मिलकर किया। बेटी तेरे पापा ने अनजाने में, मैं सच कह रहा हूँ, तेरे पापा ने अनजाने में कल रात एक गलती कर दी बेटी। गलती कर दी? हाँ। You killed someone. क्या ये कोई गलती है? नहीं बेटी, वो यहाँ चोरी करने आए थे। जब हमने उनका पीछा किया तो वो हमें चाकू से मारने आ गए, तो तेरे पापा से ये अनजाने में हो गया बेटी। सैम, वो मुझसे मिलने आया था मेरे बुलाने पर। वो कोई चोर नहीं था पापा। पूजा तुम? हाँ मुझसे, क्योंकि वो मुझे पसंद करता था, मैंने उसे बुलाया, वो इसलिए आया था और मेरे पापा ने ही उसे मार डाला। और इस सब से बचने के लिए आप उसके दोस्त को भी मारने वाले हो ना? वो अभी मेरे साथ है बेटी। वो अभी भी मेरे कमरे में है। कमरे का दरवाजा खुला था इसलिए वो अंदर आ गया। वो अभी भी यहीं पर है। लेकिन पापा आप उसे कुछ नहीं करेंगे, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। सैम तो नहीं रहा, लेकिन आपको और आपके दोस्तों को पापा मैं उसे नहीं मारने दूंगी। बेटी सुनो, मैं I know, मुझे हटाकर उसे खत्म करना आप लोगों के लिए आसान है, बट आई एम वार्निंग यू, ये मैंने रिकॉर्ड किया है। कल रात जब से वो यहाँ आया है, जो कुछ भी हुआ उसने उसका वीडियो सेव किया है। पापा अगर आपने और आपके दोस्तों ने उसे कुछ करने की कोशिश की तो दिस वीडियो विल गेट अपलोडेड एवरीवेयर। शिट। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर जगह पर। पापा फिर आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सच बताइए उसके साथ क्या करेंगे आप? मैं उसे भी ऐसे नहीं मरने दूंगी। सैम बेकसूर था। क्यों पापा? नहीं। प्रेशर नहीं बन रहा? अरे यार रात को त्रिफला लिया करो। गरम चाय चाहिए क्या? चल जा बे। तो ठीक है ऐसे ही रहो। अरे ये तो बाबू आचार्य की बेटी आ रही है, लगता है मेरे पास ही आ रही है। क्या बात है बेटी, मम्मी ने मुझे बुलाया क्या? नहीं अंकल, विला नंबर 77 से बहुत भयंकर आवाजें आ रही हैं। अरे जाओ जल्दी है, वो लड़का मिल गया, चल जल्दी। मैं देख रहा हूं। चलो चलो चलो। क्या बात है, क्या हुआ? क्या हुआ? साहब जो हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बताओ ना क्या हुआ। बताना कुछ नहीं है, देखना है। जरा सीसीटीवी फुटेज देखो। हाँ। चालू करो। हाँ साहब। क्या हुआ भैया? लोगों ने मुझे यहाँ अपनी कब्र खोदने के लिए बुलाया। क्या है सब, क्या कर रहे थे तुम लोग? एक बच्चे ने हमें ये कह के बुलाया कि वहाँ से कुछ आवाजें आ रही हैं, और जब हम वहाँ गए तो कुछ और ही। वो नहीं है, एक लड़की है यही अंदर की, एक लड़की। कौन है जो उसकी मदद कर रहा है? कौन है ये तुम लोग बताओगे मुझे? बताओ किसकी बेटी है? मेरी बेटी है। अरे उसका नाम है पूजा। सर बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? मुझे पता है आपको मेरे बारे में नहीं जानना। सुनो, बेटी के तेवर बाप के लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं। बताओ बच्ची कहाँ है वो? मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है कि वो कहाँ पर है। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ बेटी, तुम बिल्कुल भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। आई नो हु यू आर, टी तिलकान, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, राइट? ये मुझे उन्होंने नहीं बताया। आई वॉन्टेड टू नो कि पापा के अलावा इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है। सो आई सेट अ ट्रैप और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ। बस आपका आना ही बाकी था, द डीलर। पुलिस की जीप में आए इसीलिए समझ गई कि आप पुलिस वाले हैं। मैंने देखा कि पापा के साथ साथ सब आपसे डर रहे थे, इसीलिए आई टुक अ फोटो ऑफ यू और उस फोटो को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजा। सिंपल, 3 मिनट के अंदर आई गॉट ऑल योर डिटेल्स। पावर ऑफ सोशल मीडिया। लड़की तुमको ज्यादा आराम से, ये आपका पुलिस स्टेशन नहीं है, ये मेरा घर है। उसने ही मुझसे कहा कि क्या मैं उसको बचा सकती हूँ। मुझे पता है मैं उसे अकेले बिल्कुल नहीं बचा सकती, लेकिन आपने फोर्सफुली कुछ करने की कोशिश की तो सबके सब फंसेंगे और उन सबके साथ साथ आप भी फंसेंगे। यहाँ जो कुछ हुआ है मेरे पास उसके वीडियोस हैं और मैंने सब अपलोड भी कर दिए हैं। ये बताना जरूरी नहीं कि उससे क्या क्या हो सकता है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ, अगर कोई गलती की वजह से मेरे पापा को भी सजा हो जाए तो, लेकिन इसके लिए मैं उसकी जान नहीं जाने दूंगी। छे, बिल्कुल सही कह रही है ये लड़की। बात को समझो बच्ची, सिर्फ इन सब की विनती करने पर ही मैं इन सबको बचाने यहाँ आया था। मैं जा रहा हूँ, मेरा भी कोई लेना देना नहीं। बेटी अब तुम कुछ गलती मत कर देना, कोई बात हो मुझे फोन करना। मैं चलता हूँ, तो चलो। क्या रंग बदलता है यार, बेकार में बच्ची को कष्ट दे रहे हैं, मासूम बच्ची। चलो मम्मी, बेटा कुछ आवाज आ रही थी, चलो देखते हैं। हाँ चलो। ये क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो आप? सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। छोड़ो, हटो तुम। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? बताइए ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आप ऐसा क्यों करने जा रहे थे? अपनी बेटी की वजह से। पर किया क्या इसने? उसने कुछ नहीं किया, मैंने किया। भले ही मैंने अनजाने में किया, लेकिन मेरे हाथों से किसी की जान चली गई। हत्या, मैंने हत्या की है। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं पहले ही कबूल कर चुका। मैं तो बस पुलिस को सरेंडर करने की सोच रहा था, लेकिन तुम दोनों के बारे में सोचा तो लगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था तुम्हारे लिए और हमारी बेटी के लिए, लेकिन इसे सब कुछ पहले ही पता था और उसका नाम लेकर वो हर सेकंड मुझे मार रही थी, अंदर ही अंदर। पता है तुम्हें, जो लड़का मेरी मार से मरा है, हमारी बेटी से मिलने आया था और इसने उसे हमारे घर पर बुलाया था। ये सब इसने खुद मुझे बताया है। तेरे पापा से गलती हुई है, लेकिन इसकी इससे बड़ी सजा एक बाप को क्या मिल सकती है कि जो दर्द अब तुम मुझे दे रही हो बेटी। एक 18 साल की बेटी चुपचाप एक लड़के को बुलाती है और उसे अनजाने में तेरे पापा मार देते हैं। अब इससे बड़ी और क्या सजा मेरी बेटी मेरे लिए ढूंढ रही है, ये तो बताओ है? लेकिन अपने पापा की स्थिति पर मेरी बेटी ने एक सेकंड में विचार नहीं किया है? पापा के खिलाफ गवाह को बेटी ने अपने पास सेफ रखा हुआ है। यहाँ हर कोई कह रहा है कि ये सब मेरी खुद की गलती है ना बेटा? बेटी 18 साल तक तेरे पापा ने तुझे भरपूर प्यार दिया, इससे ज्यादा अगर किसी और की अहमियत है तो फिर तेरे पापा को जिंदा रहने की क्या जरूरत है, है? सॉरी पापा। देखो तो कैसे सो रहा है। क्या रे? हाँ? मैं मार दूंगा, आगे मत आना, मैं मार दूंगा। चलो जाओ, बुलाऊंगा तो आना। ओके साहब, देख लिया तूने पुलिस का दिमाग। तुम्हारी बेटी और उसके तेवर लटकने को बोला तभी हुआ ना समाधान, हुआ कि नहीं? हाँ सर। ओए बिल्डर, हाँ। इस केस का पैसा अलग से लगेगा, वो 8 लाख उसके लिए थे, इसके अलग से लगेंगे। ए महाशय, तुमने अभी तक जो कहा है वही हमने किया है। ए भाई, इनको पैसे दे, इनका पेट नहीं भरा। ओ हीरो, हर बार तू मुझे डायलॉग सुनाता रहता है, लेकिन इतने पैसों के खातिर मैं सब भूलने पर मजबूर हूँ। कोई वीडियो तो नहीं बचाना? सब डिलीट कर दिया, फोन में कुछ भी बाकी नहीं है। लैपटॉप से मैंने सब डिलीट कर दिया। मतलब कुछ नहीं बचा? नहीं, सब कुछ निकाल दिया। हाँ, वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन सावधान रहना, वो इसकी बेटी है। सर आपके पैसे? हाँ ठीक है। थूक लगा के गिनोगे नहीं क्या? जरूरत नहीं है, बाद में शिकायत मत करना। रामजादा कहीं का, ऊपर वाला करे ये गाड़ी इसके लिए कब्र बन जाए। ऐसा ही हो। हेलो, क्या बात है? कहाँ हो तुम लोग अभी? वही रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? इतनी रात को क्या इमरजेंसी आ गई? हाँ डरो मत, बताओ बात क्या है। सर, समीर और पॉल वो दोनों, वो वहाँ छुपे हुए हैं, कल दोपहर तक दोनों पकड़े जाएंगे। डरे हुए हैं वो, यही बताने के लिए इतनी रात को मुझे बुलाया, फोन पे भी बता सकते थे। हाँ नहीं सर। तो फिर हम भी यही सोच रहे थे कि वो डर कर कहीं छुपे होंगे, लेकिन वो मर गए सर। उस विला के लोगों ने उन दोनों को मार दिया सर। क्या कह रहे हो? किसने मारा उन्हें? ये कैसे हुआ? ये सच है क्या? क्या ये सच है सर? क्योंकि हम जहाँ गए थे और जिन्होंने हमारा पीछा किया उन्होंने ही मारा होगा सर। ये तुम्हें किसने बताया? ये सर जिसको उन लोगों ने दफन कर दिया था। हरामखोर कहीं के। इसे जिंदा देखकर मुझे खुशी हो रही है। हाँ, कितनी घिनौनी बात है ये। जो उन लोगों ने किया वो क्रूरता है। छोड़ूंगा नहीं, धरूंगा उन्हें। फिलहाल में अब कोई नहीं बचने वाला है। ऊपर वाले की कृपा से तुम जिंदा हो। तुम्हारे सर है ना, आ जाओ मेरे साथ। चलो। ऐसे खा रहा जैसे कभी तूने खाया ही नहीं है। खाना खाना आते नहीं है क्या तेरे को? अबे छोड़ ना, खाना खा। अबे चुपचाप खाना। कौन हो सकता है? देख तो सर होंगे। आप इतनी रात में? सर मारा क्यों उसको? बेचारा खाना खा रहा था। तुम सब निकम्मे हो इसीलिए मारा। जाके भागो उन्हें। कौन है? चलो देखते हैं कौन हो सकता है। यार मुझको क्या पता, चलकर देखते हैं। यहाँ पर तो कोई नहीं है। सर यहाँ पे तो कोई नहीं है। किसको बांधे? अच्छा, छुपन छुपाई खेल रहे हो तुम लोग? यहीं पे होंगे, ढूंढो। लगता है पैसा देख के पागल हो गया। किसको देखने का है सर? हम यहाँ मार खा रहे हैं और तू चुपचाप चैन से सो रहा है। लव यू पाचा। कैसा है तू मेरे भाई? समीर को उन्होंने। समीर ठीक है, वो हमारे साथ है। हाँ, तू आ, अभी हमें किसी को सबक सिखाना है। आजा आजा, जल्दी का टाइम नहीं है। सामने आओ। क्या कहते हो बालेटा, अपने तिलक सर को छोड़ दें क्या? तुम्हें बताओ क्या करना है। ये हरामजादा इतने दिनों से जोंक की तरह हम सबका खून चूस रहा था। वाह बालेटा, क्या शॉट मारा है तूने। बच्चों, हमने जो किया वो गलत था और उसके बदले हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? हाँ? सुनिए सर, हाँ? हमारे पास जितना है हम उसी में बहुत खुश हैं, तो आप लालच देने की कोशिश ना करें। समीर, बैग वापस कर दे। अंकल, मैंने पूजा से झूठ बोला था। मेरा नाम सैम नहीं, समीर है। मेरी माँ एक हाउसवाइफ है और मेरे पापा भी अमीर इंसान नहीं बल्कि एक ड्राइवर है। चलता हूँ पूजा। किसी से मांगा हुआ या लूटा हुआ सामान नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा। नसीब में जो होगा मिल जाएगा। हमारे लिए हमारा साथ ही काफी है। हाँ?